तो पिछले एपिसोड के एंड में देखा था। धीर कहती है, नहीं नहीं कोई बात नहीं, और वैसे भी मेरे लिए तो नाइन स्पिरिचुअल स्टोन बहुत छोटी चीज है। इजिन कहता है, माना के लिए छोटी चीज है, लेकिन फिर भी किसी इंसान को ये सब देना ठीक नहीं होगा। जीर कहती है, तुम मेरे अनजान नहीं हो, मैं तुम्हें जानती हूँ। इजिन कहता है, आप मुझे जानती हैं, लेकिन कैसे? जीर कहती है, शायद तुम मुझे भूल गए, मैं वही हूँ जो कि उस दिन साहू के साथ में थी। जिसमें इजिन कहता जाता है कि इसका नाम जीर है। तभी जीर के साथ में आया हुआ ये आदमी इजिन से कहता है, ये लड़के, इन्होंने तुम्हारी मदद की है, अब इनको थैंक यू बोल। इजिन कहता है, तुम मुझे तमीज से बोलो, तुम कौन हो और मैं बात जीर से कर रहा हूँ, तुम बीच में क्यों बोल रहे हो? तुम मुझे बताओ किसको मुझे क्या बोलना है। ये सुनकर वो आदमी एजेंट को मारने के लिए एजेंट तो बढ़ने लगता है। तभी जीर बीच में जाती है और अपने साथी को रोक लेती है और फिर उससे कुछ इशारा करती है। वो आदमी ये इशारा समझ जाता है और फिर एजेंट से कहता है, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपसे कुछ ज्यादा ही रूडली बात की, मैं बस आपसे एक चीज जानना चाहता हूँ, आपका मिस जीर के साथ में क्या रिलेशन है? एजेंट कहता है, मैं मिस जीर को कई सालों से जानता हूँ, मिस जीर के लिए अच्छा होगा कि वही तुम्हें सब कुछ बताएं। जिसमें ये आदमी जीर से पूछने लगता है, आप इस लड़के को कैसे जानते हो, आप ही बता दो। जीर कहती है, तुम्हें इससे क्या मतलब है? ये लड़का मेरे रिलेशन में कुछ भी हो, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए, मैंने इसको स्पिरिचुअल स्टोन दिया है, ये भी मेरी खुद की चॉइस है, ये सारे स्पिरिचुअल स्टोन मेरे ही थे, मैंने किसी को भी दूं ये मेरी मर्जी है। इस लड़के एजेंट को तुम इसकी हाइट और इसकी एज से कंपेयर मत करो, ये लड़का बहुत ताकतवर है और ये एक इनर डिसिपल भी है, बहुत कम डिसिपल्स होते हैं जो इतनी कम एज में इनर डिसिपल बन पाए। ये सुनकर आदमी कहता है, ये लड़के, मेरा नाम शेंजू है और मुझे इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि तू एक इनर डिसिपल है, क्योंकि ये होना कोई बड़ी बात नहीं है। फर्क इस बात से पड़ता है कि तू बहुत ज्यादा गरीब है, तेरे पास में इतने पैसे भी नहीं है कि तू इस लाइब्रेरी के अंदर पूरे पैसे दे सके, तेरे पैसे भी मिस जीर को देने पड़े, इसलिए तू बिल्कुल बेकार है, एक कचरा है, पता नहीं कैसे इसका सेट के अंदर ये कचरा आ जाता है, लगता है साफ सफाई करने वाले लोग ठीक से काम नहीं कर रहे, वो कचरे को यहीं पे छोड़ देते हैं। अब तो ये कचरा उड़ते उड़ते इन्हें सेट के अंदर पहुंच गया है। जिसमें रेजन कहता है, तुम्हें लगता है मैं कचरा हूं, तो तुम भी कुछ खास नहीं हो, तुम भी किसी सुअर से कम नहीं हो। जिसमें साहू जी कहता है, ए लड़के, तू जानता है तू किसकी बेइज्जती कर रहा है? एजेंट कहता है, हाँ जानता हूँ, सुअर की, क्योंकि मैं उसे तुमसे कंपेयर कर रहा हूँ, तुम तो एक सुअर से भी घटिया हो। ये सुनकर साहू जी को भी ज्यादा गुस्सा होता है। साहू जी एजेंट के ऊपर चलता है और उसे कहता है, अब तो याद रखना ये सब कुछ तूने पहले शुरू किया है। ये कहते हुए साहू जी एजेंट के मुक्का मारने लगता है। तभी लाइब्रेरी चिल्लाए कहता है, रुको, कोई भी अपनी जगह से नहीं लेगा, क्या तुम दोनों भूल चुके हो कि मैं भी यहाँ पर हूँ? अगर तुम दोनों के बीच में फिर से बहस हुई तो मैं तुमको बता दूंगा कि यहाँ पर एक थ्रोन हाउस भी है जहाँ पर तुम जैसों को सजा मिलती है। ये सुनकर साहू जी एजेंट से कहता है, ए लड़के, तू बच गया कि हमारी बहस यहाँ पर हुई, अगर हम कहीं और होते तो तू बचता नहीं। ये कर साहू जी वहां से लगता है। एजेंट कहता है, तुम डरपोक हो, तुमने खुद से फाइट शुरू की और खुद से खत्म कर दी। ये सुनकर साहू जी कहता है, क्या क्या कहा तूने? ये याद रखना, जो एक एक शब्द तू कह रहा है इस हर शब्द का तुझे सजा मिलेगी, अगली बार मैं तुझे। इसी समय जीर चिल्ला के साहू जी से कहती है, साहू जी चुप रहो। फिर जीर एजेंट से कहती है, एजेंट मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, मेरी तरफ से भी और साहू जी की तरफ से भी, प्लीज उसे माफ कर दो। एजेंट कहता है, क्वीन जीर, मैं इतना ज्यादा क्रूर नहीं हूँ, आप मुझसे माफी मांग रही है इसलिए मैं इसे माफ कर देता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ ये खुद भी मुझसे माफी मांगे, ये मेरे सामने घुटने टेके और 3 बार मुझसे सॉरी बोले, उसके बाद में मैं पक्का इसे माफ कर दूंगा। ये सुनकर साहू जी जोरों से हंसने लगता है और फिर एजेंट से कहता है, ए लड़के, मेरे को इस सेट के अंदर आए कई साल हो गए, लेकिन आज पहली बार है जब किसी ने मुझसे इस तरह से बात की है। क्वीन जीर तेरा सपोर्ट कर रही है, तब तो तू कुछ ज्यादा ही चढ़ रहा है, मैंने सोचा था क्वीन जीर जब तेरे को बचाने की कोशिश कर रही है तो मैं तेरे को माफ कर दूंगा, लेकिन नहीं, अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, तूने अपनी मौत को न्योता दे दिया है, अब वो तेरे पास में कभी भी पहुंचती होगी। एजेंट कहता है, मैं तुमसे डरता नहीं हूँ, तुम्हें किसको भी लाना है उसको लेके आ जाना, मैं मौत से भी नहीं डरता, अगर तुम डरते हो तो तुम चाहो तो अभी भी मुझसे माफी मांग सकते हो, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। साहू जी कहता है, ठीक है, अगर ऐसी बात है तो तुम मुझसे नहीं डरता ना, तो फिर ठीक है, मुझसे फिशी माउंटेन में आके मिल, हम वहां पर फाइट करेंगे, अगर तुझमें हिम्मत है तो मेरे इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर। एजेंट कहता है, ठीक है, मैंने तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट किया, अब मेरे टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी से उस माउंटेन पर चलो, हम दोनों में से जो भी इस फाइट के अंदर हारेगा वो दूसरे को लाइफ टाइम अपना ग्रैंडफादर कहेगा। इस टाइम पे क्वीन जीर एजेंट का सोच रही होती है, वो कैसे सोचती है, ये लड़का अभी भी पहले जैसा ही है, 3 साल में ये बिल्कुल भी बदला, ये लड़ाई से पीछे नहीं हटता, ये साहू जी के बारे में कुछ भी नहीं हटता, ये कल्टीवेशन के 5th लेवल पर है, एजेंट किसी भी हाल में साहू जी से नहीं जीत सकता। इस टाइम पे क्वीन जीर को पता ही नहीं है कि एजेंट भी कल्टीवेशन के 7th लेवल पर है, उसे पूरी उम्मीद है या फिर ऐसा कहें उसने पूरी तरह से मान लिया है कि साहू जी ही इस फाइट में जीतेगा और एजेंट बुरी तरह से हार जाएगा। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, वो सबके सब फिशी माउंटेन तक जाने लगते हैं। एजेंट और मस्त होकर रास्ते में चल रहा है, उसे बिल्कुल भी डर नहीं है। वहीं साहू जी सोच रहा है, एक बार मैं इस लड़के को हरा दूं, उसके बाद मैं क्वीन जीरो को बताऊंगा कि लड़का सच में कितना बेकार है, ये इसको बार बार में इतना क्यों सोच रही थी। तभी साहू जी को रास्ते में कोई मिल जाता है जो कि साहू जी का जानकार है। वो साहू जी को देखकर उसे पूछता है, ब्रदर साहू जी कहाँ जा रहे हो?
साहूजी कहता है, ये बहुत लंबी कहानी है, मैं तुम्हें छोटा करके बताता हूँ। ये लड़का है जो मुझसे फाइट करना चाहता है, इसलिए हम पहाड़ के बीच जा रहे हैं, हम वहीं पर जाके फाइट करेंगे। ये सुनकर सामने वाला बंदा कहता है, कौन है वो जिसे तुम्हें चैलेंज किया है? साहूजी कहता है, वो देखो वो लड़का, वो छोटा सा बच्चा, उसने मुझे चैलेंज किया है। ये सुनकर सामने वाला बंदा, वैसे मैं बता दूं, इसका नाम मुरोंग है। मुरोंग एजनो देई कहता है, अच्छा तो ये है वो। ये लड़का थोड़ा देखा देखा सा लग रहा है, इसके बारे में काफी अफवाहें हैं कि ये सेक्ट का एक कचरा है और साथ में ये बहुत ज्यादा अकड़ू भी है। बहुत मजा आएगा जब तुम इसकी अकड़ तोड़ोगे। वैसे क्या तुम कुछ देर रुक सकते हो? मैं कल्टीवेशन के लिए कुछ चीजें लेने जा रहा था, लेकिन अब मैं वो लेने नहीं जाऊंगा। मैं भी तुम्हारे साथ में चलना चाहता हूँ, और मैं साथ में ये भी चाहता हूँ मैं और भी इन्हें डिसिपल्स को इस फैक्ट को देखने के लिए बुला लूँ। वो लोग भी जब तुम्हें जीतते हुए देखेंगे तो कितना खुश होंगे। साहूजी कहता है, कोई भी दिक्कत नहीं है, जिसको चाहो ले आओ, लेकिन मुझे नहीं लगता उनको इस फाइट को देखने में ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि फाइट ज्यादा लंबी नहीं चलेगी। इस फाइट को मैं एक ही झटके में खत्म कर दूंगा। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, वो सभी उस माउंटेन के पीछे पहुंच जाते हैं। हम देखते हैं वहाँ पे काफी सारे लोग हैं, काफी सारे इंडिविजुअल इस फाइट को देखने के लिए वहाँ पर आ गए, और उन सभी ने आपस में सट्टा लगाना शुरू कर दिया है कि कौन इस फाइट के अंदर जीतेगा। एक बंदा उससे कहता है, क्या तुम शर्त लगाओगे कि इस फाइट के अंदर साहूजी बड़ी हैनी से जीत जाएगा और वो इस बच्चे को हरा देगा? दूसरा बंदा कहता है, मैं शर्त लगा तो लेता, लेकिन मुझे भी कोई उम्मीद नहीं है कि ये लड़का जीत पाएगा। इस लड़के के जीतने की बिल्कुल भी चांस नहीं है, साहूजी पक्का इस फाइट में जीतेगा। पहला बंदा कहता है, चलो फिर ठीक है, शर्त इस चीज पे लगाते हैं कि साहूजी कितने मूव्स में इस लड़के को हरा देगा। दूसरा लड़का कहता है, हाँ ये सही रहेगा, मैं शर्त लगाता हूँ साहूजी केवल 3 ही मूव्स में इस लड़के को हरा चुका होगा। तभी जीर एजिन के पास में आती है और एजिन से कहती है, एजिन अभी भी तुम्हारे पास मौका है, अगर तुम साहूजी से माफी मांग लोगे तो मैं तुम्हें वादा करती हूँ मैं इस फाइट को कैंसिल करा दूंगी और तुम बच जाओगे। एजिन कहता है, क्या तुम पागल हो गई हो, मैं इस फाइट में किसी भी हाल में हारने वाला नहीं हूँ, इस फाइट के अंदर मेरी जीत पक्की है। वैसे क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? जीर कहती है, पैसे तुम पैसे को क्या करोगे, क्या तुम पैसे साहूजी को देने वाले हो? साहूजी पैसे लेने के बाद भी तुम्हें नहीं छोड़ेगा। एजिन कहता है, नहीं मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाला, मैं वो पैसे खुद के ऊपर लगाने वाला हूँ, मुझे पूरा यकीन है इस फाइट के अंदर मैं जीतूंगा। मैंने देखा वो सब लोग मेरे ऊपर सट्टा लगा रहे हैं कि मैं इस फाइट के अंदर हारूंगा, अगर वही मैं मेरे जीतने के ऊपर सट्टा लगाऊंगा तो मेरे को एक बहुत अच्छा प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन मेरे पास में बिल्कुल पैसे नहीं है, सारे के सारे पैसे उस लाइब्रेरी के अंदर खस हो गए। जीर कहती है, तुम्हें खुद के ऊपर इतना भरोसा है? साहूजी इस टाइम पे कल्टीवेशन के 5th लेवल पर है, और इतना ही नहीं उसे कई सारी स्किल्स आती है। उसने थोड़े टाइम पहले ही एक तिलिस्मैन स्किल सीखी है जो कि स्पेशली फाइटिंग के अंदर यूज होती है, वो उसका यूज करके तुम्हें हरा देगा। एजिन ये सब कुछ सुन रहा होता है लेकिन बिल्कुल भी इस पर ध्यान नहीं देता। एजिन लगातार अपने कपड़ों के अंदर कुछ ढूंढ रहा है कि उसे कोई चीज अच्छी सी मिल जाए। तभी एजिन जो चीज ढूंढ रहा होता है वो चीज मिल जाती है। वो जीर से कहता है, जीर मेरे पास में कुछ है जो कि बहुत ज्यादा कीमती है, मैं वो तुम्हें दूंगा, मैं चाहता हूँ तुम उसके बदले में मुझे पैसे दो जो कि मैं इस सट्टे में लगा सकूँ। ये कहते हुए एजिन अपनी अंगूठी के अंदर से कुछ चमकती हुई बॉल्स निकालता है, ये सारी डिमन एलिक्सिर है। उन चमकती हुई बॉल्स को देखकर जीर बहुत चौंक जाती है। जीर कहती है, ये तुम्हें कैसे मिली, ये सारे तो डिमन एलिक्सिर्स है, तुम्हारे पास में ये कैसे आए, तुम तो बहुत गरीब हो, तुम्हारे पास में ये होना बिल्कुल नामुमकिन है। ये कहने के बाद जीर एक ब्लू रंग के डिमन एलिक्सिर को उठाती है और उसे देख कहती है, ये वाला डिमन एलिक्सिर ये तो मैंने भी पहली बार देखा है। एजिन कहता है, हाँ ये वाला बहुत खास है, एक दिन जब मैं जंगल के अंदर था तब मुझे नदी के अंदर एक बीस दिखाई देता, मैं उसके पीछे भागा और फिर मैंने उस बीस्ट को मार दिया, वो एक स्नेक टाइप का बीस्ट था, मैंने उसको मारने के बाद में उसकी बॉडी से ही इसे डिमन एलिक्सिर को निकाला था और बचे हुए सारे डिमन एलिक्सिर भी मुझे इसी तरह से मिले हैं, मैंने खुद से कई सारे बीस्ट को मारा है और उसके बाद में उनकी बॉडी में से इनको निकाला है, अब ये सारे मैं तुम्हें देता हूँ, मैं चाहता हूँ तुम इस बेट के अंदर मेरी तरफ से पैसे लगाओ। जीर कहती है, तुम इसे मुझे क्यों दे रहे हो, तुम चाहो तो इसे इस सेक्ट के अंदर ही बेच सकते हो, वहां पर भी तुम्हें इसके बदले में अच्छे पैसे मिल जाएंगे। एजिन कहता है, हाँ मैं ऐसा कर सकता हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल भी शो ऑफ करना नहीं चाहता, मैं उनको बताना नहीं चाहता कि मैंने इतने सारे बीस्ट को मार दिया है, इसीलिए मैं ये तुम्हें दे रहा हूँ, क्या तुम मुझे पैसे दे सकती हो? जीर कहती है, ठीक है मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। ये कहते हैं जीर एजिन के हाथ में से उन सारे डिमन एलिक्सिर को ले लेती है और फिर एजिन से कहती है, मैं तुम्हें पैसे भी दे रही हूँ लेकिन मेरी एक शर्त है, जीतने के बाद में तुम्हें जितने पैसे मिलेंगे उस पैसे को हम आधा आधा बांटेंगे, यानी कि 50-50। एजिन कहता है, 50-50 ये किस बात का, मैं तुम्हें 50% क्यों दूँ, जीतने के बाद में तुमने मेरे को जितना भी अमाउंट दिया होगा वो अमाउंट मैं तुम्हें लौटा दूंगा, तुम्हें 50% नहीं लेगा, मेरे सारे डिमन एलिक्सिर मुझे लौटा दो, मुझे तुम्हारी कोई भी जरूरत नहीं है, मैं पैसे खुद से लगा लूंगा। जीर कहते हैं, ठीक है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कहते हैं जीर एजिन के डिमन एलिक्सिर वापस एजिन को पकड़ा देती है और फिर वहां जाने लगती है। एजिन सोचता है, ये तो सच में जा रही है, मेरे पास में और कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे इसी को रोकना होगा। ये कहते हैं एजिन रोकने के लिए कहता है, ठीक है 20% तुम ले लेना, 80% मेरा। जीर कोई रिएक्शन नहीं देती, वो बस चलती जाती है। एजिन कहता है, ठीक है 25%। जीर अभी भी नहीं रुकती। एजिन आखिरी बोलता है, अब लास्ट है 30%, 30% तुम्हारा 70% मेरा, अब रुकना है तो रुक जाओ। ये सुनकर जीर खुश हो जाती है। जीर कहती है, ठीक है अब ये एक डील है, अब याद रखना 30% मेरा है और 70% तुम्हारा। फिर हमें संजय को दिखाते हैं, संजय को सारी खबर मिल चुकी है कि जीर एजिन की तरफ से पैसे लगा रही है। संजय को पता चला है कि जीर ने एजिन की तरफ से
10 हाई टेयर के स्पिरिचुअल स्टोन बेड पे लगाए हैं। जिसको जीर कहता है ऐसा नहीं हो सकता। जीर उस लड़की को जितना चाहती है, वो चाहती है मैं इस लड़ाई के अंदर हार जाऊं। नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, मुझे खुद से जाके जीर से बात करनी होगी। ये कहते हुए शेनजी जीर की तरफ जाने लगता है। तभी मुरोग शेनजी को रोकता है और उसे कहता है शेनजी रुक जाओ, अगर तुम अभी जाकर उसे चिल्लाओगे या फिर उससे किसी भी तरह की बात करोगे तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा, वो तुमसे और भी ज्यादा गुस्सा हो जाएगी, इसलिए अभी के लिए अच्छा होगा तुम शांत रहो, मेरे पास में एक प्लान है। ये कहने के बाद मुरोग शेनजी कान में अपना प्लान सुनाता है। इसको सुनने के बाद में शेनजी बहुत खुश हो जाता है। वो मुरोग से कहता है मुरोग तुम ही मेरे सच्चे दोस्त हो, तुमने तो मेरी काफी मदद की। फिर हमें जीर को दिखाते हैं, जीर एजेंट के ऊपर बैट लगा रही है। वो बैट के लिए स्पेशल स्टोन देने वाली होती है कि तभी हमें मुरोग आ जाता है और जीर से कहता है सिस्टर जीर ये आप क्या कर रही हैं, आप अपोजिट साइड की तरफ से बैट क्यों लगा रही है, और आपको पता है ना आप कितने बड़े अमाउंट की मिट लगा रही है, 10 स्पेशल स्टोन जो कि मिड टीयर के हों उनकी कीमत 1000 नॉर्मल स्पेशल स्टोन के बराबर होती है, अगर आप इस बैट में हारी तो आपको बहुत बड़ा नुकसान होगा, और अगर का सिस्टम है ही नहीं सैन जी फाइट में पक्का जीतेगा, आपका लॉस होना तो पक्का है। जीर कहती है मैं ऐसा कर रही हूँ क्योंकि मैं ऐसा करना चाहती हूँ, शेन जी का इससे कोई भी रिलेशन नहीं है, मैं जो चाहूँ मैं वो कर सकती हूँ। मुरोग कहता है वैसे तो मुझे यहाँ पर शेन जी ने नहीं भेजा है, लेकिन वो नहीं चाहता कि आप अपने इतने कीमती स्पिरिचुअल स्टोन खो दें, इसलिए वो चाहता है मैं आपसे शर्त लगाऊं, हम यहाँ पर्सनली शर्त लगाएंगे, इससे एक फायदा होगा अगर आप हारती हैं तो ये चीजें मेरे को मिलेगी, और आपके हारने के बाद ऐसा भी हो सकता है मैं आपकी चीजें आपको वापस से लौटा दूं, इससे आपका लॉस कम हो जाएगा, आपको खुशी होगी, आपको खुश देखकर शेन जी भी बहुत खुश होगा। अब तो आपको समझ में आया होगा कि शेन जी आपकी चिंता की इतनी चिंता करता है, लेकिन आपको ही वो दिखाई नहीं देता। जीर कहती है ये सब बातें बाद में करेंगे, पहले चलो बैट लगाते हैं, मैं अब अपना बॉन्ड बनाने वाली हूँ, मैंने डिसाइड किया है मैं फिनिक्स हेयरपिन भी इस बैट के अंदर लगाऊंगी, वो भी एक नहीं तीन फिनिक्स हेयरपिन। मुरोग कहता है तो फिर ठीक है मैं भी ब्लू ड्रैगन स्वॉर्ड इस बैट के अंदर लगाता हूँ, जहाँ तक मुझे लगता है आपने जो भी सारी चीजें लगाई है उन सबकी बराबरी तो ये अकेला ही कर देगा। जीर कहती है तो फिर ठीक है लग गई शर्त। और वहीं दूर से एजेंट ये सब देखकर बहुत खुश हो रहा होता है। एजेंट सोचता है मुझे ये सब कुछ मिल जाएगा जब मैं इस फाइट के अंदर जीत जाऊंगा। जीर मुरोग से कहती है इस फाइट में हारने के बाद में मुझसे बिल्कुल भी उम्मीद मत करना कि मैं तुम्हारी तलवार तुम्हें वापस लौटा दूंगी, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी होने वाला नहीं है। इसके बाद में फाइट स्टार्ट होती है, जीर और बाकी सभी लोग साइड में आगे खड़े हो जाते हैं। इसके बाद में जीर एजेंट को आगे कुछ इशारा करती है, एजेंट ये इशारा समझ जाता है। इसके बाद में फाइट स्टार्ट होती है, सैन जी और एजेंट आपके सामने खड़े हैं। एजेंट सैन जी से कहता है ए जो भी तेरा नाम है तेरा तो मैं नाम भी भूल गया, मैं तुझसे वादा करता हूँ मैं तुझे जान से नहीं मारूंगा, इसलिए ज़्यादा डरना मत। ये सुनकर आसपास खड़े लोग और ज़्यादा गुस्सा हो रहे होते हैं एजेंट के ऊपर, वो सोचते हैं ये लड़का तो कितना घमंडी है सैन जी के सामने खड़ा है और उसी को धमकी दे रहा है। तभी सैन जी चिल्लाए कहता है तू मुझे नहीं मारेगा क्योंकि तू मुझे मार ही नहीं सकता, लेकिन मैं तुझे मार सकता हूँ, मरने के लिए तैयार हो जा। जे कहते हैं सूजी अपने दोनों उंगलियों को आगे करके कोई स्पेल करने लगता है, उसके से करने से वहाँ पे एक त्रिशूल दिखाई देता है जिसका साइज बहुत ज्यादा बड़ा है। वो त्रिशूल झसकने से हवा के अंदर जाता है और वापस से सूजी की बॉडी आगे लपट जाता है, इससे सूजी की बॉडी के ऊपर ही आग लग जाती है। ये एक स्पेशल टाइप का स्किल है, इस स्किल को यूज करने पर कल्टिवेटर की फायर टाइप की एबिलिटीज बढ़ जाती है। इस स्किल को यूज करने के बाद में कल्टिवेटर और भी ज्यादा तेज स्पीड से फायर स्किल्स को यूज कर सकता है। ये देखो सभी डिस्पोजर्स चलने लगते हैं, अब तो ये लड़का मरेगा। सूजी ने स्टार्टिंग में ही अपनी सबसे ताकतवर स्किल को यूज कर लिया है। मुझे पूरा यकीन है इस फाइट खत्म होने तक ये बच्चा दिखाई भी नहीं देगा कि कहाँ गया, क्योंकि इसकी पूरी बॉडी राख बनकर हवा में उड़ जाएगी। तभी वह चारों तरफ आग छाने लगती है, उसी समय सूजी के हाथ में एक तलवार आ जाती है जो कि पूरी तरह से आग से बनी हुई है। तभी सूजी उस फायर सोर्ड को जोर से घुमाता है, उसके साथ करते ही वहां पर एक फायर वेव दिखाई देने लगती है जो कि पूरी तरह विस्तार से एजिंग तरफ जाने लगती है। जीर चिल्ला कहती है एजिंग वहां से हटो, वही सूजी कहता है अब तुम्हारे से बचने का कोई रास्ता नहीं है, अब तुम कहीं भी भाग नहीं सकते, चारों तरफ आग की आग है। और वहीं दूसरी तरफ एजेंट बिल्कुल भी डरा नहीं होता है, जैसे वो फायर वेव एजेंट के पास से पूछती है एजेंट केवल अपने एक ही हाथ से उस फायर वेव को रोक देता है। फिर एजेंट वहीं पर एक जोर से मुक्का मारता है, उसके मुक्का घूमते ही वहां की सारी आग गोल्ड रूफ शेप के अंदर गायब होने लगती है। ये देखकर आसपास खड़े सारे लोग बोझा चौंक जाते हैं, वो सभी कहते हैं ऐसा कैसे हुआ, इस लड़के ने तो केवल अपने एक ही पन से इस सूजी के तलिस्मन को पूरी तरह से खराब कर दिया है, यहाँ की आग पूरी तरह से गायब हो रही है। ये देखकर सूजी भी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, उसका थोड़ा ध्यान बढ़ता है, इसी समय वो देखता है एजेंट वहां से गायब हो चुका है। वो इधर उधर देख देख के एजेंट को ढूंढने लगता है, लेकिन उसे एजेंट कहीं भी दिखाई नहीं देता। तभी एजेंट उसके लेफ्ट से उसके ऊपर अटैक कर देता है। एजेंट सूजी के पास आकर उसके गाल के ऊपर एक जोर से थप्पड़ मार देता है। ये थप्पड़ पड़ते ही सूजी दो टप्पे आकर जमीन पे गिरता है, उसके मुंह के दो तीन दांत टूट के जमीन पे गिर जाते हैं। फिर एजेंट सूजी के पास में आता है और उसके सर के ऊपर अपना पाँव रख देता है और फिर उससे कहता है तुमने वो तिलिस्मन टेक्निक तो सीख ली, लेकिन उस पर एक चीज ध्यान नहीं दी, इस टेक्निक को सीखने के बाद में खुद की बॉडी को भी ताकतवर बनाना होता है, क्योंकि तिलिस्मन टेक्निक कल्टीवेटर की पावर को मल्टीप्लाई करती है ना कि ऐड, यानी इसका मतलब तुम जितने ज़्यादा पावरफुल होगे तिलिस्मन टेक्निक को यूज़ करने के बाद में तुम और भी ज़्यादा उतने ही ज़्यादा पावरफुल होगे।
अब क्योंकि तुम पहले से बहुत कमजोर थे इसलिए तेज पर टेक्निक कारण तुम कुछ खास पावरफुल नहीं हो पाए। ये स्किल तुम्हारे लिए बिल्कुल बेकार है और तुम मेरे लिए, तुमने भी तो मुझे बोर कर दिया है। इस फाइट के अंदर बिल्कुल भी मजा नहीं आया। ये कहते हुए अर्जुन बाकी लोगों की तरफ देखने लगता है। जहीर अर्जुन देखे हंस रही है और बाकी सबके साथ बहुत बुरी तरह चौके हुए हैं क्योंकि जहीर के अलावा बाकी सब ने सूजी के ऊपर पैसे लगाए थे और वो सब उसमें हार चुके हैं। उनमें से किसी ने तो किस चीज पे बैट लगाई थी कि सूजी केवल 3 अटैक के अंदर इस लड़के को हरा देगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। सूजी एक भी अटैक एजेंट के ऊपर नहीं कर पाता और वहीं दूसरी तरफ एजेंट केवल एक ही अटैक से सूजी को फाइट में हरा देता है। इसी समय जीर मुरम के पास में जाती है और मुरम से कहती है, तुम इस बैट के अंदर हार चुके हो और अब तो तुम्हें हार का मतलब तो पता ही होगा। तुम्हें 10 मिड टियर स्पिरिचुअल स्टोन देने हैं और साथ ही तुम्हारी वो तलवार भी। तुमने उन दोनों को इस फाइट के अंदर हार दिया है, अब वो दोनों मेरे हैं। इस समय मुरम एजेंट को दिख रहा होता है। वो सोचता है, ऐसा कैसे हुआ? साहु जी इस फाइट के अंदर कैसे हार गया? इसकी वजह से मेरी तलवार और मेरे 10 स्पिरिचुअल स्टोन दांव पे लग गए हैं। सोचने के बाद मुरम जीर से कहता है, हाँ ये बात सच है, मैं इस बैट के अंदर हार गया हूँ, लेकिन मैं तुम्हें सारी चीजें देने वाला नहीं हूँ। ये लो 20 स्पिरिचुअल स्टोन, वो भी मिटियर के, मैं तुम्हें ये दे रहा हूँ। और रही बात उस तलवार की, तो वो तलवार मैं तुम्हें बिल्कुल भी देने वाला नहीं हूँ, तलवार को भूल जाओ। ये कहते हुए मुरम वहां से गायब हो जाता है। जीर कहती है, ऐसा नहीं चलेगा। मुरम रुको, तुमने बैट के अंदर तलवार भी लगाई थी तो तलवार भी देनी होगी। लेकिन मुरम बिल्कुल भी नहीं रुकता, वो बस गायब होकर वहां चला जाता है। और वहीं दूसरे टाइम पे एजेंट अभी भी सूजी के पास में होता है। वो उसे देख के सोचता है, अब मैंने तुम्हें हरा दिया है, तुम्हारे पास में जो कुछ भी है वो सब कुछ अब मेरा है, अब देखते हैं तुम्हारे पास में क्या क्या है। ये कहते हुए एजेंट सूजी के अच्छे तलाश लेने लगता है। एजेंट को सूजी के पास में बहुत सारे स्पिरिचुअल स्टोन और एक तलवार मिलती है और बहुत सारे तिलिस्मन भी। उन सब चीजों को देखकर एजेंट बहुत चौंका होता है। एजेंट कहता है, इसके पास में तो बहुत सारी चीजें थी। इसी समय बाकी सारे डिसिपल दबे पांव वहां से भागने लगते हैं। वो सभी सोचते हैं, अगर एजेंट उसको देख लेगा तो उनसे ही पैसे मांगेगा, क्योंकि उन सभी ने भी सूजी के ऊपर पैसे लगाए थे। लेकिन तभी ऐसा हो भी जाता है, एजेंट उन सभी डिसिपल को देख लेता है और उनसे कहता है, नहीं तुम में से कोई भी ऐसे जा नहीं सकता, तुम सब ने सूजी के ऊपर पैसे लगाए थे, इसका मतलब तुम सब हार चुके हो, अब मुझे मेरे पैसे दे दो। जेसन को डिसिपल्स कहते हैं, तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो, माना तुमने सूजी को हरा दिया, लेकिन तुम हम सबका सामना नहीं कर सकते। हम यहाँ से दबे पांव नहीं जा रहे थे, हमने सोचा था कि सूजी के पास में तुम्हें जो भी स्पिरिचुअल स्टोन वगैरह मिलेंगे वो सब कुछ तुम रख सकते हो, लेकिन तुम तो लालची हो, तुमने तो हमें भी रोक दिया। अब तुम्हें सूजी के पास में जो स्पिरिचुअल स्टोन मिले वो भी नहीं मिलेंगे, वो भी हम अपने साथ में लेके जाएंगे। वो सभी डिसिपल ये सब कह ही रहे होते हैं कि तभी अजिन पूरी तरह से भागता है और एक ही झटके में उन सारे डिसिपल्स को मार देता है। मतलब जान से नहीं मारता, यानी कि फाइट में हरा देता है और उनके पास जितने भी स्पिरिचुअल स्टोन होते हैं वो सभी ले लेता है। तभी जीर एजेंट के पास में आती है और एजेंट से कहती है, क्या बात है, तुमने तो सबको हरा दिया। एजेंट कहता है, हाँ मैंने हरा दिया, वैसे तुम्हारी तरफ कैसा रहा? तुम मुरम के पास गई थी ना, मुरम ने तुम्हें चीज दे दी। जीर कहती है, एजेंट तुम लक्की हो, मुरम ने इस बैट के अंदर 10 मिटियर के स्पिरिचुअल स्टोन लगाए थे, लेकिन उसने हारने के बाद में 20 मिटियर के स्पिरिचुअल स्टोन दिए, यानी कि बिल्कुल डबल। एजेंट कहता है, लेकिन उसने 20 दिए क्यों? उसने तो केवल 10 स्पिरिचुअल स्टोन ही लगाए थे और एक तलवार लगाई थी, वो तलवार कहाँ है? मुझे वो तलवार चाहिए थी। जीर कहती है, वो तलवार तो वो ले गया। जिसको एजेंट बहुत चौंक जाता है। एजेंट कहता है, क्या वो तलवार ले गया? शायद तुम्हें पता नहीं है, उस एक तलवार की कीमत 100 स्पिरिचुअल स्टोन से भी ज्यादा थी, तुमने उसे रोका क्यों नहीं? चलो अब डजन वैली चलते हैं, वहीं चल के उस मुरम को मारेंगे और उसके बाद में उसके बेजान पड़े हाथों में से उस तलवार को कोस लेंगे। जीर कहती है, तुम उस तलवार को भूल जाओ, तुम्हें पहले इतनी सारी चीजें मिल तो चुकी है, उस एक तलवार के चक्कर में दोबारा से लड़ाई क्यों कर रहे हो? मुरम बहुत ताकतवर है, कोई भी उससे पंगा नहीं ले सकता, और तुम तो उसको उसके घर में उसे मारने की बात कर रहे हो, ये तो बिल्कुल नामुमकिन है। इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा होगा तुम्हें जो मिला है तुम उसमें संतुष्ट रहो और उस तलवार को भूल जाओ। एजेंट कहता है, ऐसे कैसे भूल जाओ, वो तलवार मैंने जीती है, मुझे वो तलवार हर हाल में चाहिए। मुझे पता है तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, क्योंकि तुम्हारे हिस्से में वैसे वो तलवार नहीं आती, वो तलवार मुझे ही मिलती, इसी वजह से अब तुम मना कर रही हो, लेकिन मुझे वहां पर जाना ही है। जीर कहती है, तुम्हें जाना हो तो जाओ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगी। ये सुनकर एजेंट का मुंह उतर जाता है, क्योंकि एजेंट को पता ही नहीं है मुरम कहाँ रहता है। तभी एजेंट जिस आदमी के ऊपर बैठा होता है वो आदमी कहता है, मैं तुम्हें लेके जा सकता हूँ, मुझे पता है मुरम कहाँ रहता है। यही कहते वो आदमी सोच रहा होता है, ये लड़का तो बहुत ज्यादा लालची है, मुरम से पंगा लेने के लिए जा रहा है, अभी मुरम के पास में जाएगा और वो इसको पीट देगा। तभी एजेंट उसके ऊपर से खड़ा हो जाता है और उसे कहता है, तो फिर ठीक है चलो चलते हैं। ये सुनकर वो डिसिपल खुश होता है, वो खड़ा होता है। तभी एजेंट उसे कहता है, तुम ऐसे धीरे धीरे क्यों चल रहे हो, जल्दी चलो। ये कहते हुए एजेंट उसके पीछे एक जोर से लात मार देता है। इसी समय बाकी सारे डिसिपल्स उठते हैं जिन सभी को एजेंट ने पीटा था और फिर इनसे इनके सारे स्पिरिचुअल स्टोन छीन लिए थे। इन सभी को पता चल चुका है कि अब एजेंट मुरम से फाइट करने के लिए जा रहा है। वो सभी खुश होने लगते हैं और कहते हैं, अब ये लड़का मुरम से फाइट करने जा रहा है, आज हम एक ही दिन में दो फाइट देखेंगे। फर्स्ट फाइट में तो जीत गया, लेकिन सेकंड फाइट में नहीं जीत सकता, क्योंकि मुरम से फाइट करने के लिए इसे डंजन वैली में जाना होगा, जहां पर मुरम का ही राज चलता है। फिर कुछ ही दिन में एजेंट चलते हुए डंजन वैली गेट पहुंच जाता है। वो डिसिपल एजेंट से कहता है, ये है डंजन वैली का गेट, अब तुम्हें बस इसके अंदर जाना है।
तुम जैसे अंदर जाओगे तुम्हें कहीं ना कहीं मुरुम मिल जाएगा। इस वैली के अंदर मुरुम को ढूंढना ज्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि इस वैली के अंदर सबको पता रहता है कि मुरुम कहाँ पर है। तुम किसी से पूछोगे तो वो तुम्हें मुरुम के पास में पहुंचा देगा। ये सुनकर एजेंट उस जंजर वैली के गेट के अंदर घुसता है और फिर जोश चिल्लाता है, मुरुम कहाँ है तू? चोर कहीं के? तेरे पास मेरा कुछ है? मुझे मेरी तलवार वापस चाहिए। जेल है एजेंट लगातार काफी ज्यादा चिल्लाता रहता है। तभी एक डिस्पैच एजेंट के सामने आता है और एजेंट से कहता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई डंजर वेलिंग के अंदर आकर मुरुम को अपशब्द कहने की? एजेंट उस डिस्पैच को देखता है और उसे कहता है, ए मेरे को तुझसे कोई भी काम नहीं है, चला जाए ऐसे और मुरुम को भेज। मुरुम के पास मेरा कुछ है जो कि मुझे चाहिए हर हाल में। वो एक नंबर का चोर है, वो शर्त हारने के बाद में वहां से भाग गया। जिसमें डिस्पैच अपनी तलवार निकाल लेता है और एजेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए एजेंट से भागने लगता है और चिल्ला कहता है, तुम मानेगा नहीं ना, अब तुम मरेगा। ये देखकर एजेंट भी अपनी तलवार निकाल लेता है और वो तलवार उड़ने लगती है। फिर जब अपनी चुटकी बजाता है, चुटकी बजाते ही वो तलवार अपने आप ही उस डिसेबल की तरफ जाने लगती है और उस डिसेबल को कुछ सेकंड में हरा देती है। एजेंट को खुद से कुछ भी करना नहीं पड़ता। उस डिसेबल को हराने के बाद में एजेंट आगे बढ़ने लगता है। एजेंट के साथ में जीर भी है, जबकि जीर ने एजेंट के साथ में आने से मना कर दिया था। एजेंट आगे बढ़ते हुए लगातार चिल्ला रहा है, अभी ओए मुरुम मेरे सामने आ, मुझे मेरी तलवार वापस चाहिए, मैं अपनी तलवार को लिए बिना यहाँ से नहीं जाऊँगा, चाहे तू कहीं भी छुप जा मैं तुझे ढूंढ लूंगा। ये एजेंट लगातार चिल्ला रहा है, लेकिन अब किसी भी डिसेबल की हिम्मत नहीं होती कि कोई भी एजेंट को आगे कुछ भी बोल दे या फिर आगे बढ़कर एजेंट से फाइट कर सके। वो सभी आपस में कुछ बातें करने लगते हैं और एजेंट उनकी ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। एजेंट उनके बीच से होते वहां से ला जाता है और आगे बढ़ जाता है। फिर हमें मुरुम को दिखाते हैं जो कि 20 रिपीटेशन होने के कारण बहुत दुख में है। वो बैठे बैठे सोचता है, ये सब कुछ उस साहूजी के कारण हुआ है। वो लड़का एजेंट साहूजी को कितनी आसानी से हरा दिया, उसकी साहूजी की वजह से मेरे 20 रिपीटेशन स्टोन चले गए। वो तो अच्छा हुआ मैं वहां से सही टाइम पे निकल गया, वरना मेरे को अपनी तलवार भी देनी पड़ती। उस लड़की एजेंट को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, उसके पास में जाकर उससे मेरे वापस से सारे स्पिरिचुअल स्टोनों से कोस लूंगा, मुझे मेरे स्पिरिचुअल स्टोन वापस से चाहिए। इसी समय मुरुम को एजेंट की आवाज़ सुनने लगती है, अबे मुरुम सामने आ मेरे, तेरे पास मेरी तलवार है, मुझे मेरी तलवार वापस से चाहिए। इस आवाज को सुनने के बाद मुरुम थोड़ा चौंका हुआ होता है। वो इधर उधर देखता है, उसे सामने की तरफ से एजेंट जीर और कुछ डिसिबल्स आते हुए दिखाई देते हैं। मुरुम एजेंट को देख कर चिल्ला कहता है, अबे वो कचरे तेरी हिम्मत किस हुई डंजन वैली के अंदर आने की? इस वैली के अंदर कोई भी कचरा मुंह उठा के ऐसे नहीं आ सकता। एजेंट कहता है, मुझे पता है इस डंजन वैली में कचरा नहीं आ सकता, क्योंकि इस वैली के अंदर केवल सूअर आ सकते हैं। मुझे पता था तू एक सूअर है, इसलिए तुझे काम ढूंढना चाहिए, इसी वजह से तू मुझे बड़ी आसानी से मिल गया। अब जल्दी से अपनी शर्त पूरी कर, तू शर्त के अंदर हार चुका है, अब तेरी वो तलवार मेरी है, जल्दी से उस तलवार को लौटा दे। मुरुम कहता है, कौन सी तलवार और कौन सी शर्त? मैंने तेरे साथ में कोई भी शर्त नहीं लगाई है, इसलिए मैं तुझे कुछ भी नहीं दूंगा। एजेंट कहता है, हाँ ये सच है, तूने मेरे साथ में शर्त नहीं लगाई है, लेकिन तूने क्विंग जीर के साथ शर्त लगाई थी और क्विंग जीर ने मेरे बिहाफ पे शर्त लगाई थी, यानी एक तरह से तूने मुझसे शर्त लगाई है। उस शर्त के अंदर तू अपनी तलवार हार चुका है, जल्दी से मुझे मेरी तलवार दे दे। अगर तूने इसी समय मुझे मेरी तलवार नहीं लुटाई तो मैं तेरी हालत भी शुंज जैसी कर दूंगा। इसी समय उस जगह पर काफी सारे डिस्पैच इकट्ठा हो जाते हैं। वो सब आपस में बातें करने लगते हैं, क्या ये बात सच है मुरुम ने क्विंग जीर के साथ में शर्त लगाई है और वो इस शर्त के अंदर हार चुके हैं? हारने के बाद में वो यहाँ पर भाग के आ गए ताकि इन्हें अपनी तलवार देनी ना पड़े। ये तो कितनी इंसल्ट वाली बात है, शर्त हारने के बाद में इन्हें अपनी तलवार क्विंग जीर को दे देनी चाहिए थी। यही सब बातें वो सारी सारी डिस्पैच करने लगते हैं और यही आवाजें मुरुम के पास में आती है। मुरुम को इनके बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मुरुम ये सुन के कहता है, हाँ ये बात बिल्कुल सच है, मैंने क्विंग जीर के साथ में शर्त लगाई थी और मैं उस शर्त के अंदर हार भी गया था, लेकिन हारने के बाद में मैंने उन्हें 10 मिटियर के स्पिरिचुअल स्टोन दिए थे। तुम सब चाहो तो क्विंग जीर से पूछ सकते हो, वो स्पिरिचुअल स्टोन देने के बाद ही मैं यहाँ पर आया था, मैं कोई लूजर नहीं हूँ। क्या तुम सबको मेरे पर भरोसा नहीं है? मैं डंजन वैली का एक डिसिपल हूँ, तुम सभी का दोस्त हूँ, क्या मैं कोई ऐसी हरकत कर सकता हूँ? मैंने शर्त हारने के बाद में क्विंग जीर को उनका पूरा अमाउंट दिया था, फिर भी पता नहीं क्यों वो यहाँ पर आके तमाशा कर रही है। जैसे एजेंट कुछ कहने के लिए आगे बढ़ता है तभी मुरुम एजेंट को रुकती है और फिर खुद कहने लगती है, मुरुम उस शर्त के अंदर तुमने 10 मिटियर के स्पिरिचुअल स्टोन और अपनी एक तलवार दांव पे लगाई थी, लेकिन तुमने शर्त हारने के बाद में केवल 20 स्पिरिचुअल स्टोन दिए मिटियर के, लेकिन तुमने तलवार नहीं दी, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। तुम्हारी तलवार के बदले 10 मिटियर के स्पिरिचुअल स्टोन मैं बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करूंगी, मुझे तो वो तलवार ही चाहिए। तुम चाहो तो तुम्हारी स्पिरिचुअल स्टोन अपने पास में रख सकते हो, अब जल्दी से तलवार दे दो। ये कहते हुए जीर मुरुम की तरफ एक छोटा सा बैग फेंकती है जिसके अंदर 10 मीटर के स्पिरिचुअल स्टोन होते हैं। ये देखकर मुरुम को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। मुरुम सोचता है, जीर भी इस लड़के के साथ दे रही है, मुझे लगा था जीर मेरा साथ देगी लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तभी एजेंट कहता है, मुरुम अब तो तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है, जल्दी से तलवार लौटा दो। ये सुनने के बाद मुरुम बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। वो जोर से चिल्ला कहता है, बस अब तुम सबका खत्म हो गया, मैं कितनी देर से बोल रहा हूँ कि तुम सब शांति से चले जाओ, लेकिन तुम तो जाना ही नहीं चाहते। मैं तलवार चाहिए ना, तो ये लो तलवार, अब इस तलवार से मैं तुम्हें मार दूंगा। ये कहते हुए मुरुम अपने हाथ में तलवार समन करता है और फिर एजेंट की तरफ भागने लगता है। मुरुम अब एजेंट के ऊपर उसी ड्रैगन तलवार से अटैक करने वाला है। एजेंट तुरंत अपनी तलवार बाहर निकाल लेता है और उसकी मदद से मुरुम के अटैक को ब्लॉक कर लेता है।
लेकिन मुरुंग के पास में फाइट का थोड़ा ज्यादा एक्सपीरियंस है। मुरुंग अपनी तलवार थोड़ा सा घुमाता है और इजिन ने गाल के ऊपर अटैक कर देता है। इजिन स्टैंड में होकर उसे अटैक को डॉच करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी मुरुंग की तलवार इजिन के गाल के टच हो जाती है और इजिन के गाल पे से खून बहने लगता है। और इतना ही नहीं, मुरुंग के इस अजीब से अटैक के कारण इजिन की तलवार भी बहुत बुरी तरह डैमेज हो जाती है। इजिन को एक वार्निंग देती है, तुम्हारी तलवार काफी ज्यादा डैमेज हो चुकी है, ये ड्रैगन स्वॉर्ड तुम्हारी फेरी स्वॉर्ड से ज्यादा ताकतवर है। तभी मुरुंग वापस से एजिन के ऊपर अटैक करता है। एजिन फिर से तलवार की मदद से उस अटैक को ब्लॉक करता है और फिर मुरुंग से कहता है, तुम्हारी तलवार तो बहुत शानदार है, अब तो मुझे ये पक्का चाहिए। कहने के बाद में एजिन सही मौका देखकर मुरुंग के ऊपर अटैक कर देता है। एजिन की तलवार मुरुंग के चेहरे का फेस पहुंच जाती है। ये देखकर मुरुंग डर जाता है और अपनी तलवार को पूरी बार को यूज कर देता है। मुरुंग अपनी तलवार को आसमानी तरफ करता है। उसके साथ करते ही उस तलवार के अंदर से एक ब्लू रंग के ड्रैगन का ओरा बाहर निकलने लगता है और वो सीधे एजिन के ऊपर अटैक करने लगता है। उस बड़े से ड्रैगन के ओरा को देखकर एजिन थोड़ा सा घबरा जाता है और पीछे कूद कर उस अटैक को डॉच करता है। तभी एजिन को अपने माइंड में एक आवाज देने लगती है, ये सामने वाली तलवार, इसका नाम ड्रैगन स्वॉर्ड है। ये तलवार जिस किसी के हाथ में भी हो, अगर उसके बॉडी के ऊपर कहीं पर भी चोट लगेगी या फिर चोट लगने वाली होगी, तब इस तलवार के अंदर से एक ब्लू रंग का ड्रैगन बाहर निकलता है और अपने ओनर को बचाने की कोशिश करता है। इस ड्रैगन ओरा के कारण कई बार तो ओपोनेंट बहुत ज्यादा कन्फ्यूज जाते हैं कि अटैक किस पे करे और बचे किससे। ये देखकर एजिन बहुत खुश जाता है और कहता है, एक अच्छी तलवार के अंदर ये खूबी तो होनी चाहिए कि वो अपने ओनर को बचा सके। जब ये तलवार मेरे पास में होगी तब तो मजा ही आ जाएगा। ये सोचने के बाद में एजिन मुरुंग से कहता है, मुरुंग वो तलवार मेरी है, मुझे मेरी तलवार लौटा दो। मुरुंग कहता है, तुझे ये तलवार नहीं मिलेगी बल्कि मैं तेरी जान ले लूंगा। ये कहते हुए मुरुंग एजिन की तरफ कूदता है और उसके ऊपर अटैक करने लगता है। इसी समय एजिन अपने एक स्पेशल अटैक का यूज करता है। एजिन खुद की तलवार को तोड़ देता है और फिर उसके टुकड़ों को मुरुंग की तरफ फेंक देता है। मुरुंग उन टुकड़ों को अपनी तरफ आता देखता है और अपनी तलवार से एक स्लैश से ही उन सारे टुकड़ों को गायब कर देता है और फिर एजिन से कहता है, क्या तुम बस इतना ही कर सकते हो, क्या तुम बस इतना ही करना चाहते थे, अब इस फाइट के अंदर बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा। ये कहते हुए मुरुंग एजिन को देखता है। एजिन वहां से भागता हुआ जा रहा है। ये देखकर मुरुंग अपनी तलवार को जमीन पर रख देता है और फिर कहता है, मैं जानता था तुम ऐसा ही करोगे, तुम बहुत ज्यादा डरपोक हो, जब तुम फाइट के अंदर जीतते हो तो सामने आके खड़े हो जाते हो और वहीं जब तुम हारने लगते हो तो भाग जाते हो, तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है हार को फेस करने की। ये सुनकर आसपास के डिस्पल्स करने लगते हैं। वो लड़का सच में बहुत ज्यादा घटिया था, उसने सोचा कि वो मुरुंग को फाइट में हरा देगा और उनसे उनकी तलवार को छीन लेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी होने वाला नहीं था। वैसे देखा जाए तो इस फाइट के अंदर उस लड़के की जान बच गई, ये भी उसके लिए एक प्राइस की तरह ही है। ऐसा हर बार नहीं होता है, मुरुंग जिससे फाइट करता है वो उसे खत्म ही कर देता है। बहुत कम बार ऐसा होता है कि कोई उसे बच के निकल पाए। इसी समय मुरुंग को एक आवाज देती है, मुरुंग मुझे मेरी तलवार वापस चाहिए, जल्दी से मुझे मेरी तलवार लौटा दे। ये आवाज मुरुंग को अपने पीछे जाती है। मुरुंग जल्दी से पीछे मुड़कर देखता है, एक बड़ा सा पत्थर ठीक उसके सर के ऊपर है और उसके सर के ऊपर गिरने वाला है। मुरुंग ये देखकर थोड़ा सा घबरा जाता है, लेकिन उस सही टाइम पे अपनी तलवार घुमा देता है। उस तलवार घूमते ही वो पत्थर दो टुकड़ों में कट जाता है और इससे मुरुंग को कुछ भी नहीं होता। ये देखकर आसपास के हेडेस पर बहुत खुश होने लगते हैं, वो सभी जोरों से चिल्लाते हैं, मुरुंग सच में बहुत ताकतवर है, उसकी तलवार बहुत शानदार है, उसने बड़ी आसानी से इस इतने बड़े पत्थर को आराम से काट दिया, वो लड़का किसी भी तरह से मुरुंग को नहीं हरा सकता है। तभी दूसरा डिसिपल चिल्लाए कहता है, अभी ये खुश होने का टाइम नहीं है, वो लड़का वहां देखो उस घर के ऊपर चढ़ा हुआ है और उसके हाथ में एक और पत्थर है, वो उससे वापस से मुरुंग के ऊपर अटैक करने वाला है। जिसमें सभी सभी डिसिपल उस घर के ऊपर देखने लगते हैं, उन्हें सच में वहां पर एजिन खड़ा दिखाई देता है जिसके हाथ में एक बहुत बड़ा पत्थर है। एजिन जोर से उछलता है और उस पत्थर को मुरुंग की तरफ फेंक के मारता है। इस अटैक को करते हुए एजिन सोचता है, मैं लगभग भूल गया था कि मुझे ये अटैक भी आता है। बुढ़े मास्टर के साथ में ट्रेनिंग करते हुए मैंने अपनी बॉडी पावर को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था, मैं 5000 किलो तक के वजन को बड़ी आसानी से उठा सकता हूँ। इसी समय पत्थर मुरुंग के सामने ही गिरता है। मुरुंग उछल के उस अटैक को डॉच कर लेता है, लेकिन एजिन यहाँ पे भी नहीं रुकता। एजिन के पास बहुत सारे पत्थर है, एजिन बड़ी तेज स्पीड से उन सारे पत्थरों को मुरुंग की तरफ फेंकने लगता है, लेकिन मुरुंग भी यहाँ पे हरवाने वाला काम था। मुरुंग भी अपनी तलवार घुमा घुमा कर सारे पत्थरों को काटने लगता है। एजिन जितनी स्पीड से उन पत्थरों को फेंक रहा है, मुरुंग उससे भी तेज स्पीड से उन पत्थरों को काट दे रहा है। उनमें से एक भी पत्थर मुरुंग के लग नहीं पा रहा, लेकिन मुरुंग बहुत ज्यादा थक चुका है। मुरुंग हाफते हुए एजिन से कहता है, क्या तुम्हारे पास बस इतने ही है, अभी भी तुम मुझसे ये तलवार नहीं ले सकते। इसके बाद में भी एजिन बिल्कुल नहीं रुकता, एजिन लगातार अपने प्लान को फॉलो करता रहता है। एजिन उस घर के छत पर नीचे उतरता है और अब सामने की तरफ से मुरुंग के ऊपर पत्थर फेंकता रहता है। धीरे धीरे एजिन के पत्थर खत्म होने लगते हैं। तभी एजिन अपनी दूसरी स्किल यूज करता है। एजिन के पास में एक और स्किल है, एजिन चीजों को देखकर उन्हें लेविटेट कर सकता है, जो कि उसने 3 साल पहले सीख ली थी। एजिन उस स्किल का यूज करके बहुत सारे पत्थर को लेविटेट करने लगता है जो कि उसने पहले फेंके थे। ये देखकर मुरुंग को चौंक जाता है। मुरुंग सोचता है, ऐसा कैसे हो सकता है, इस लड़के को यह वाली स्किल भी आती है, इस लड़के को पत्थरों को लेविटेट करना आता है। फिर एजिन चिल्ला के मुरुंग से कहता है, मुरुंग यहाँ देखो, मैंने इतने सारे पत्थरों को लेविटेट किया है, अब क्या तुम इन्हें रोक सकते हो, मैं एक साथ इन्हें तुम्हारे ऊपर फेंकने वाला हूँ। इसे देखने के बाद में मुरुंग थोड़ा सा घबरा जाता है। मुरुंग ने तलवार सामने की तरफ करके उसके अंदर से उस ड्रैगन को बाहर निकालता है। फिर वो ड्रैगन उड़ते हुए एजिन की तरफ जाता है और उन 4-5 पत्थरों में से 3 पत्थरों को तोड़ देता है। अभी भी एक पत्थर बचा है।
मुरोंग खुद उछल के उस आखिरी वाले पत्थर के पास में जाता है और अपनी तलवार से उस पत्थर को दो टुकड़े में काट देता है। उस पत्थर को काटने के तुरंत बाद मेरिंग देखता है उस पत्थर के ठीक पीछे एजिन है और मुरोंग की ओर मुक्का मारने के लिए तैयार है। जैसे ही पत्थर कटता है एजिन मुरोंग के पास आकर उसके मुंह के ऊपर एक जोर से मुक्का मार देता है। मुरोंग को कुछ भी सुन में नहीं आता कि क्या हुआ। मुरोंग की नाक में से खून बहने लगता है और मुरोंग जमीन पर गिर जाता है। उसके हाथ में से उसकी तलवार छूट जाती है। एजिन तुरंत उस तलवार को पकड़ लेता है और फिर अपना पैर मुरोंग के मुंह के ऊपर रख देता है और उसके बाद में हंसते हुए मुरोंग से कहता है, अब ये तलवार बिल्कुल सही हाथों में आई है। इस तलवार को हाथ में लेने के बाद ही मुझे उसकी पावर फील हो रही है। मुरोंग कहता है, अगर तेरे में हिम्मत है तो मुझे जान से मार दे। अगर तूने मुझे जिंदा छोड़ दिया तो मैं तुझे मार दूंगा। एजिन कहता है, मैं तुझे इसका मौका नहीं दूंगा। मैं अभी तुझे मारने वाला हूँ। तू मुझसे मरने की जिद कर रहा है तो फिर ठीक है, तू अब मेरे हाथों से ही मरेगा। ये कहते हुए एजिन उस तलवार को अपने दोनों हाथों से पकड़कर मुरोंग के ऊपर अटैक कर देता है। ये देखकर आसपास साइडेस्ट फिर बहुत चौंक जाते हैं। वो सभी कहते हैं, ये लड़का पागल हो गया है, ये लड़का अब मुरोंग को मारने वाला है। कोई मुरोंग को बचाओ, कोई आगे बढ़ो। सब एक दूसरे से कहते रहते हैं लेकिन कोई भी आगे नहीं बढ़ता क्योंकि सबको पता है जो आगे बढ़ेगा वो पहले मरेगा। तभी वो तलवार मुरोंग की गर्दन के एकदम पास से रुक जाती है। मुरोंग से देखकर बहुत बुरी तरह डर जाता है। इस तलवार को एजिन ने ही नहीं रुका है क्योंकि एजिन किसी को छोड़ने वाला नहीं है। एजिन एक हीरो नहीं है, एजिन एक विलन है। उसको किसको मारने से पहले ज्यादा सोचना नहीं पड़ता, वो फटाक से किसको भी मार देता है। हम देखते हैं इस तलवार को एजिन ने रोका है क्योंकि वहां पर एक एल्डर आ गया है और उस एल्डर ने एजिन को एक रस्सी से बांध दिया है। उस एल्डर को देखने के बाद में सारे डिसिपल जो भी वहां पे खड़े होते हैं वो सबके सब घुटने टेक देते हैं और कहने लगते हैं, एल्डर आ गए, एल्डर आ गए। एजिन भी उस एल्डर की तरफ देखता है और उसे कहता है, मुझे पता था आप कहीं ना कहीं से हमें देख रहे हो। मैं बस इंतजार कर रहा था कि कब आप सामने आते हो। अब आप सामने आ चुके हो तो फिर मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मुझे यहाँ से जाने दो और इस रस्सी को मेरे ऊपर से हटाओ। वो एल्डर कुछ भी नहीं कहता, वो बस उछल के एजिन के पास में आता है और एजिन को कॉलर से पकड़ के उठा लेता है और फिर सोचने लगता है, इस लड़के के अंदर तो बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है। इस लड़के ने मुरोंग को फाइट में हरा दिया। मैं वहाँ खड़ा होकर सोच रहा था कि मुरोंग को इस फाइट के अंदर एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा और मुरोंग इस फाइट में जीत जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। ये लड़का इस फाइट में जीत गया। इस लड़के ने किसी अजीब से स्किल का यूज किया। अपने खुद के वेपन के टूटने के बाद में पत्थरों से अटैक करना ये काफी ज्यादा अलग था। सच में अंकल टाई ने इसे काफी कुछ सिखाया है, न केवल फाइट करना, फाइट के बारे में सोचना भी कि किस तरह से फाइट की जाती है। इसी समय एजिन के हाथ में से उसकी तलवार छूट जाती है, या फिर ऐसा भी हो सकता है उस तलवार को एजिन ने अपनी अंगूठी के अंदर अब्सॉर्ब कर लिया हो। यह आगे पता पड़ जाएगा। एजिन उस एल्डर्स कहने लगता है, ए ये तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे डिसिपल और मेरे बीच में ये एक फेयर मैच था, उसकी मंजूरी से ये फाइट शुरू हुई थी और अब ये फाइट हम दोनों की मंजूरी से खत्म हो गई है, मुझे ऐसे जाने दो। ये सुनकर वो एल्डर एजिन को जोर से पकड़ा देता है और फिर अपनी रस्सी को आगे पीछे खींच लेता है और उसके बाद में एजिन को कहता है, तुम मुझे मत सिखाओ, मैं इस फाइट को काफी देर सीख रहा हूँ। मैंने देखा तुम इस फाइट के अंदर मुरोंग को मारने वाले थे, वो तुम ऐसे ही टाइम पे आ गया और तुम्हें रोक दिया, वरना तुम मुरोंग को मार देते। लेकिन फिर भी मुरोंग अभी जिंदा है, इसलिए इस बार मैं तुम्हें जान दे रहा हूँ, लेकिन ऐसी गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। ये सुनकर एजिन खड़ा होता है और वहां जाने लगता है। तभी एक डिसिपल भाग के एल्डर के पास में आता है और उसे कहता है, इस लड़के को ऐसे ही जाने मत दीजिए, इस लड़के ने काफी सारे डिसिपल से काफी सारी चीजें चुराई है। हमारे पास जितने स्पिरिचुअल स्टोन थे वो सब की सब इस लड़के ने चुरा लिए हैं, वो भी हम सबसे फाइट करके। हम सब ने अपनी आंखों के सामने देखा है, इसने हमारे स्पिरिचुअल स्टोन चुराए हैं। ये सुनकर वो एल्डर उन्हें इस डिसिपल के ऊपर चिल्लाने लगता है और उनसे कहता है, तुम्हें शर्म आ रही है कि तुम ऐसी बात लगा रहे हो, इस बच्चे को देखो ये कितना छोटा है और इस बच्चे ने अकेले तुम सबसे तुम्हारे स्पिरिचुअल स्टोन छीन लिए, तुम कहां थे उस टाइम पे, क्या तुम सब डिसिपल्स नहीं हो, क्या तुम सबको फाइट नहीं आती। ये सुनकर एक दूसरा डिसिपल कहता है, हम सब सच कह रहे हैं, इस लड़के ने हमसे हमारे स्पिरिचुअल स्टोन चुरा लिए हैं, आप इस लड़के की तलाश लीजिए, आपको उसके बाद में सब कुछ मिल जाएगा। ये सुनकर वो एल्डर एजिन को रोकता है और एजिन दोनों हाथों को पकड़कर एजिन तलाश लेने लगता है। उसको एजिन के कपड़ों के अंदर काफी सारे बैग्स दिखाई देते हैं। एजिन कहता है, ये तुम सब क्या कर रहे हो, तुम सब ने एल्डर को मेरी शिकायत कर दी। फिर एजिन एल्डर से कहता है, एल्डर रुक जाइए, इस सब में मेरी बिल्कुल भी गलती नहीं है, ये जो भी स्पिरिचुअल स्टोन आप मेरे पास में देख रहे हैं ये सारे सारे मेरे हैं, ये सारे सारे मैंने जीते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मेरी एक लड़के से फाइट हुई थी, उस फाइट के अंदर इन सभी ने मेरे खिलाफ पैसे लगाए थे, उस फाइट में मैं जीत गया और जीतने के बाद में इन सभी ने से मेरे स्पिरिचुअल स्टोन लिए हैं। स्पिरिचुअल स्टोन को लेने के लिए मुझे इन सभी को मारना पड़ा क्योंकि ये सब वहाँ से भाग रहे थे और जब मैंने इन्हें रोकने की कोशिश की तब इन्होंने खुद से मुझसे फाइट स्टार्ट कर दी, मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। एल्डर कहता है, और मुरोंग को क्या, तुमने मुरोंग को क्यों मारा। एजिन कहता है, मुरोंग के साथ में मेरी एक शर्त लगी थी, मुरोंग भी उस शर्त में हार गया, लेकिन इसने बाकी डिसिपल्स की तरह वहां से भागने का डिसाइड किया और ये वहां से भाग भी गया और फिर उसके बाद में इस वैली के अंदर आके छुप गया। अपनी चीज को लेने के लिए मुझे इस वैली के अंदर आना पड़ा और फिर इससे फाइट करनी पड़ी क्योंकि इसने भी हारी हुई चीज को मुझे देने से मना कर दिया। ये सुनने के बाद वो एल्डर एजिन को छोड़ देता है और फिर एजिन चिल्ला के उन सभी डिसिपल से कहता है, अब तुम सब बताओ क्या ऐसा नहीं हुआ था, क्या मैं सच नहीं बोल रहा, क्या तुम सबने मेरे खिलाफ पैसे नहीं लगाए थे।
फिर एजेंट एल्डर से कहता है, मैं बहुत ज़्यादा गरीब हूँ, मेरे को काफ़ी टाइम हो गया कि मैंने कोई अच्छी चीज़ खाई हो। मैं तो इतना ज़्यादा गरीब हूँ कि मैं लाइब्रेरी से ठीक से बुक्स भी नहीं ले सकता, और जब मेरे पास में इतना बड़ा ऑप्शन आता है और मैं किसी तरह से उसमें जीत भी जाता हूँ, तो मैं इनको अपने हाथ से जाने नहीं दे सकता। ये सुनने के बाद वो एल्डर उन सभी डेस्टिबल से पूछता है, क्या एजेंट जो कुछ भी कह रहा है वो सब सच है? क्या तुम सबने शर्त लगाई थी? वो सभी डिसिपल्स कहते हैं, एल्डर आप इसकी बात मत सुनिए, ये लड़का जैसा बता रहा है वैसा कुछ भी नहीं हुआ था। ये लड़का केवल आपको अपनी बातों में फंसाने की कोशिश कर रहा है। ये सुनकर उस एल्डर को गुस्सा आने लगता है। वो चिल्ला के उस सभी डिसिपल से कहता है, मैंने जितना पूछा केवल उसका जवाब दो, क्या तुम सबने शर्त लगाई थी? ये सुनकर सारे डिसिपल उस एल्डर से सर झुका देते हैं और फिर कहते हैं, हाँ ये बात सच है, हमने शर्त लगाई थी। फिर वो एल्डर मुरोंग से पूछता है, मुरोंग तुम बताओ क्या तुमने भी शर्त लगाई थी? मुरोंग कहता है, हाँ मैंने भी शर्त लगाई थी, मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। ये कहते हुए मुरोंग भी उस एल्डर सामने सर झुका देता है। ये सुनने के बाद में एजेंट कहता है, देखा आपने, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं यहाँ पर केवल अपनी चीज़ लेने के लिए आया था, वरना मुझे किसी से भी फाइट करने में मज़ा नहीं आता। तभी वो एल्डर एजेंट उठा लेता है और फिर एजेंट से कहता है, ठीक है अब यहाँ की बात तो खत्म हुई, अब तुम मेरे साथ में चलो, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। ये कहने के बाद में वो एल्डर एजेंट को वहाँ से लेके जाने लगता है। एजेंट मना करता है, एजेंट खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन एल्डर एजेंट को छोड़ता नहीं है और एजेंट को लेकर कहीं और आ जाता है। थोड़ा दूर आने के बाद में एल्डर एजेंट जून पर रखता है और फिर उसे कहता है, माना तुम उस टाइम पे सही थे, लेकिन तुमने जो कुछ भी किया वो बिल्कुल भी सही नहीं था। एजेंट कहता है, इसमें मेरी किसी भी तरह से कोई भी गलती नहीं है, अगर कोई मुझे परेशान करेगा तो मैं उससे परेशान करूंगा और मेरी परेशानी वो सहन नहीं कर पाएगा। ये सारी उन सबकी गलती है, अगर उन्होंने उनके अंदर शर्त के पैसे देने की हिम्मत नहीं है तो उन्हें शर्त लगानी भी नहीं चाहिए थी। मैंने केवल उन सबने चीज़ वापस ली है, अगर वो हारने के बाद भी मेरी चीज़ों को लौटा देते तो मैं किसी से भी कुछ भी नहीं कहता। मैं आपकी बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ, मेरे मास्टर जब एक आदमी चले गए थे उसके बाद में आपने मेरी काफ़ी मदद की है, मैं उस सबको भूला नहीं हूँ। ये कहने के बाद में एजेंट सोचने लगता है, मैंने एक छोटी सी फाइट को बहुत बड़ा बना दिया है, क्योंकि मैं चाहता हूँ इसकी खबर मेरे मास्टर तक पहुँचे। मुझे पता है वो भी एकांत में है, लेकिन अगर उनके पास में किसी तरह से ये खबर पहुँच जाती है तो वो हो सकता है मेरे पास से मुझसे मिलने आ जाए। लेकिन मुझे ये पता भी है कि वो इतनी छोटी सी बात से आएंगे नहीं, लेकिन फिर भी मुझे कुछ तो करना ही होगा। तभी वो एल्डर कहता है, क्या तुम्हें केवल मेरे एहसान याद है? क्या मैं तुम्हें याद नहीं हूँ? चलो ठीक है, तुम्हें मेरे एहसान याद है तो इतना ही कर दो, मेरे एहसानों के बदले तुम फॉर्जिंग सेक्ट के अंदर ज्वाइन हो जाओ, मैं खुद से तुम्हें एक बहुत शानदार स्किल सिखाऊंगा। एजेंट कहता है, नहीं मुझे नहीं सीखनी, मुझे नहीं सीखना मेटलों कैसे पिघलाते हैं या फिर किसी वेपनों कैसे बनाते हैं। ये कहते हुए एजेंट उस एल्डर की बेइज्जती करके वहां जाने लगता है। तभी वो एल्डर एजेंट को प्रोटेक्ट कर देता है और उसे कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फॉर्जिंग स्किल को बेकार कहने की? तुम जानते नहीं हो ये कितनी ताकतवर है। एजेंट उस एल्डर के हाथ को अपनी तरफ उठाते हुए देखता है, वो उसे बिल्कुल रोकने की कोशिश नहीं करता, बस चिल्लाया कहता है, इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है, ये मेरी पर्सनल चॉइस है, मैं फॉर्जिंग स्किल को नहीं सीखना चाहता, मैंने अपना गोल पहले डिसाइड कर लिया है, मैं फैक्ट्री एंड होल में जाना चाहता हूँ, अब तुम चाहो कितना भी फोर्स कर लो मैं अपना गोल नहीं बदलूंगा। ये सुनने के बाद वो एल्डर एजेंट के टकराने से पहले अपने हाथ को रोक देता है और फिर एजेंट से कहता है, अच्छा तो तुम फैक्ट्री एंड होल को ज्वाइन करना चाहते हो? एजेंट कहता है, हाँ मैं चाहता हूँ। एल्डर कहता है, क्या तुम्हें लगता है फैक्ट्री एंड होल के अंदर कोई भी ज्वाइन हो सकता है? उस होल में ज्वाइन होने के लिए तीन क्राइटेरिया होते हैं, जिन तीनों की तीनों को तुम्हें पार करना होगा। फर्स्ट क्राइटेरिया है, कल्टिवेटर को कम से कम कल्टिवेशन के 6th लेवल पर होना चाहिए। सेकंड क्राइटेरिया है, कल्टिवेटर को सेक्ट में आए हुए 10 साल हो चुके होने चाहिए। और थर्ड और लास्ट क्राइटेरिया है, कल्टिवेटर को टर्मिनल कॉम्पिटिशन को पार करना होगा, वो भी top 3 में आके। तो ये तीन क्राइटेरिया है होल के अंदर ज्वाइन होने के लिए, बताओ तुम्हारे अंदर कौन से क्राइटेरिया कंप्लीट करने की पावर है और तुमने इनमें से किस किस को कंप्लीट किया है? एजेंट कहता है, 6th लेवल ऑफ कल्टिवेशन, ये तो मैंने पार कर लिया है, मैं भी कल्टिवेशन के 7th लेवल पर हूँ। और रही बात थर्ड क्राइटेरिया यानी उस कॉम्पिटिशन की, तो उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए मैं अच्छे से तैयारी करूंगा और फिर उसके बाद में इस कॉम्पिटिशन को जीत लूंगा। इस तरह से मेरे 2 क्राइटेरिया कम्प्लीट हो जाएंगे, लेकिन एक दिक्कत बचेगी, सेकेंड क्राइटेरिया। इस सेक्ट के अंदर मुझे 10 साल हो चुके होने चाहिए, लेकिन सेक्ट के अंदर आए हुए मुझे केवल 4 साल ही हुए हैं, 6 साल कहाँ से आएंगे? ये सुनकर रेल्डर कहता है, लेकिन शायद तुम्हें मैंने एक बात बताई नहीं, ये सारे केवल रूल्स हैं जिनको हमें फॉलो करना चाहिए, लेकिन फॉलो करना जरूरी नहीं है, इनके बीच से भी हम रास्ता निकाल सकते हैं। ये सुनकर एजेंट थोड़ा खुश हो जाता है और उस एल्डर से कहता है, यानी कि आपके पास में कोई रास्ता है, प्लीज़ मुझे बताओ। एल्डर कहता है, फेटियन होल में ज्वाइन होने के लिए तुम्हें 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है, तुम बिना इस एक्सपीरियंस के भी इस होल में ज्वाइन हो सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें सेक्ट लीडर की गारंटी की जरूरत है, अगर वो तुम्हारी तरफ से गारंटी ले तो तुम्हें फेटियन होल के अंदर ज्वाइन होने का मौका मिल सकता है, फिर तुम एग्जाम के अंदर भी पार्ट ले पाओगे और अगर पास हो गए तो फेटियन होल में एडमिशन मिल जाएगा। ये सुनकर एजेंट कहता है, तो फिर सेक्रेटरी की क्या जरूरत है, आप ही मेरी गारंटी लो, क्या आप किसी से कम हो, क्या आप मेरी गारंटी नहीं ले सकते, मेरे गारंटर के रूप में आप सबसे बेस्ट हो। एल्डर कहता है, मैं ऐसा कर तो सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें फोर्ज वेली को ज्वाइन करना होगा।
अगर तुम फोर्ट ज्वेलरी को ज्वाइन करते हो तो मैं तुमसे वादा करता हूँ केवल 3 साल के अंदर ही किसी भी तरह से तुम्हें फेटियन हॉल के अंदर ज्वाइन करा दूंगा। ये सुनकर रिजन कहता है 3 साल ये तो बहुत ज्यादा है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। रिजन को एल्डर कहता है जैन की तुम केवल इस साल ही फेटियन हॉल के अंदर एडमिशन चाहते हो। रिजन कहता है हाँ आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्या आप मेरे साथ दोगे, डील डन करें। जिसमें वेल्डर एजेंट उसे जोर से मारता है और उसे कहता है नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, हमारे बीच में कोई भी डील नहीं होगी। अगर तुम चाहते हो मैं तुम्हारी मदद करूं तो तुम्हें फोर्ज वैली के अंदर एडमिशन लेना होगा, पहले तुम फोर्ज वैली के अंदर ज्वाइन हो उसके बाद में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। एजेंट कहता है तो फिर ठीक है मैं फोर्ज वैली के अंदर ज्वाइन होने को तैयार हूं, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। मैं चाहता हूं इससे पहले कि मैं फोर्ज वैली के अंदर ज्वाइन हूं आप मेरी उन शर्तों को पूरा करें। एल्डर कहता है बताओ क्या शर्तें हैं। एजेंट कहता है मैंने सुना है हर वैली के अंदर एक पोस्ट होती है जिसे कहते हैं हेड ऑफ डिसिपल, इस पोस्ट के ऊपर जो डिसिपल होता है वो पूरी वैली को लीड करता है, मैं चाहता हूँ आप मुझे ये पोस्ट दें। ये सुनकर एल्डर बहुत चौंक जाता है, वो कहता है तुम हेड ऑफ डिसिपल बनना चाहते हो। इजिन कहता है हाँ बनना चाहता हूँ, क्या इसमें कोई दिक्कत है। एल्डर कहता है ये पोस्ट ऐसे ही नहीं मिलती, इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्या तुम वो कर पाओगे। इस पोस्ट के लिए ना केवल तुम्हें कल्टिवेशन में अच्छा होगा बल्कि मेरी भी कई कामों में मदद करनी होगी, कई मैटर्स को मैनेज करने में तुम्हें मेरी मदद करनी होगी और कई बार मेरे कई काम करने होंगे जो कि वैली के बाहर भी हो सकते हैं। एजेंट कहता है मैं इसके लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। एल्डर कहता है अभी के लिए तो नामुमकिन है कि मैं तुम्हें फोर्ज वैली के अंदर ज्वाइन होते ही हेड ऑफ डिसिप्लिन बना सकूं, लेकिन अगर तुम मेरा एक काम कर दो तो मैं इसके बारे में सोचूंगा। काम यह है तुम्हें रिफाइंड आयरन को कलेक्ट करना होगा जो कि बहुत सारे डिसिप्लिन के पास में है, वो भी केवल 1 महीने में। अगर तुम इस काम को पूरा कर देते हो तो मैं तुम्हारे इस पोस्ट के बारे में सोचूंगा। एजेंट कहता है ठीक है मैं इसके लिए तैयार हूँ, ये हमारे बीच में डील हुई, जैसे ही काम कंप्लीट होगा आप मुझे हेड ऑफ डिसिप्लिन बनाओगे। एल्डर कहता है ठीक है डील डन, अब जल्दी से अपना जाडे टैबलेट आगे बढ़ाओ। ये सुनकर एजेंट अपना जाडे टैबलेट उस एल्डर की तरफ बढ़ा देता है जो कि जब एजेंट इन्हें डिसिप्लिन बना था तब उसे मिला था। एल्डर उस टैबलेट के ऊपर एक सिंबल बनाता है और कहता है ये फोर्ज वैली का सिंबल है, इस सिंबल का मतलब है अब से तुम फोर्ज वैली के डिसिप्लिन हो, इस सिंबल का सेकंड मीनिंग यह है आज से मैं तुम्हारा मास्टर हूँ, कल्टिवेशन के अंदर अगर तुम्हें कभी भी कोई भी क्वेरी हो तो तुम मेरे पास आ सकते हो, मैं इसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। और इसी के साथ में हमारी आज की बात खत्म होती है, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। एजेंट कहता है जा रहे हो मतलब क्या, बाहर काफी सारे डिसिप्लिन्स है जो आपका इंतजार कर रहे हैं, आपने उनसे कहा था आप इस मैटर को सॉल्व करने के बाद में उनसे बात करेंगे, अब उनका क्या करना है। एल्डर वहां जाने लगता है और जाते एजेंट से कहता है मुझे कोई भी मतलब नहीं है, मैं ये तुम पे छोड़ता हूँ, तुम जो चाहे वो कर सकते हो, तुमने मुझसे कहा था तुम फोर्ज वैली के हेड ऑफ डिसिप्लिन बनना चाहते हो तो देख लो एक हेड ऑफ डिसिप्लिन क्या काम करता है, अपने अकॉर्डिंग तुम्हें जो सही लगे वो करो। ये सुनकर एजेंट इविल तरह से हंसने लगता है और सोचता है मैं अब फोर्ज वैली का एक डिसिप्लिन हूँ, मुझे अपने साथी डिसिप्लिन्स को एक ट्रीट देनी चाहिए। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, वो सारे सारे डिसिप्लिन्स एल्डर के आने का इंतजार कर रहे होते हैं, तभी उनके सामने कुछ बैग्स आए गिरते हैं, वो डिसिप्लिन्स उन बैग्स को पहचान जाते हैं और कहते हैं ये तो हमारे बैग्स है। ये कहते हुए सारे डिसिप्लिन्स जल्दी से उठते हैं और उन बैग्स को उठाने की कोशिश करते हैं, तभी उन सभी की नजर एजेंट में पड़ती है। एजेंट एक घर के छत पर बैठा होता है और वहां से उनकी तरफ बैग्स फेंक रहा होता है। एजेंट उन सभी डिसिप्लिन्स से कहता है अब से मैं भी फोर्ज वैली का एक डिसिप्लिन हूँ, इसीलिए तुम सभी को मैं तुम्हारे बैग वापस से लौटा रहा हूँ। ये सुनकर वो डिसिप्लिन्स कहते हैं क्या तुम फोर्ज वैली के डिसिप्लिन हो, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तुम जैसे घटिया डिसिप्लिन को कोई भी फोर्ज वैली में ज्वाइन नहीं कराएगा, हमें प्रूफ चाहिए, साबित करो तुम फोर्ज वैली के डिसिप्लिन हो। तभी एजेंट उन सभी को अपना जाय टेबल दिखाने लगता है और उनसे कहता है देखो इसके ऊपर देखो यहाँ पर नीचे मार्क लगा हुआ है जो कि फोर्ज वैली का है, इस मार्क को एल्डर ने लगाया है, इसका सबूत है एल्डर खुद, तुम एल्डर से पूछ सकते हो, इस सिंबल को देखकर साबित होता है कि मैं फोर्ज वैली का एक डिसिप्लिन हूँ। ये देखने के बाद में एक डिसिप्लिन बैक डिसिप्लिन से कहता है ये लड़का बिल्कुल सही कह रहा है, इसके टैबलेट के ऊपर सही सिंबल बना है, यानी इसका मतलब ये भी अब फोर्ज वैली का एक डिसिप्लिन है, लेकिन एक दिक्कत है इसने जो बैग अभी भेज गए हैं इसके अंदर मेरी सारी चीजें नहीं है जो कि इसने मुझसे ली थी। जैसे एजेंट लैंस होता है एजेंट ने तलवार को उस डिसिप्लिन की तरफ फेंक देता है, तलवार सीधे उस डिसिप्लिन की दोनों टांगों के बीच में गिरती है, वो डिसिप्लिन बहुत डर जाता है। फिर एजेंट छलके उस डिसिप्लिन के पास में आता है और उसे कहता है तुम्हें तो खुश होना चाहिए ये सारी चीजें तुम्हें वापस मिल गई, ज्यादा लालच मत करो वरना अपनी जान भी गवा दोगे, जो मिला है उसी में खुश रहो और इसे लेकर यहाँ से दफा हो जाओ। फिर एजेंट उन सारे डिसिप्लिन से कहता है मैंने तुम्हें एक बात नहीं बताई है, एल्डर ने रिफाइनिंग आयरन कलेक्ट करने का चार्ज मुझे सौंपा है, इसलिए जिस जिसका रिफाइनिंग काम बचा है वो जल्दी से खत्म करे और आयरन को मेरे हवाले करे। ये सुनकर सारे डिसिप्लिन कहने लगते हैं ये काम इतना आसान नहीं है, रिफाइनिंग का काम बहुत मुश्किल होता है, हम सब डिसिप्लिन्स ने तो काफी सारा काम कर भी दिया है और थोड़े बहुत आयरन को तो हम जमा करा भी चुके हैं, लेकिन हमें पता नहीं है कितना और बाकी है, और जहां तक हमें लगता है हमें नहीं लगता तुम्हें कुछ भी पता होगा कि किसको कितने रिफाइनिंग आयरन जमा कराना है, इसीलिए पहले किसी तरह से एक लिस्ट ले आओ जिसके अंदर लिखा हो कि किसके कितने रिफाइनिंग आयरन जमा कराने बचे हैं। ये सुनकर एजेंट सोचने लगता है हाँ ये कह तो सही रहे हैं, मुझे एक बार इस बारे में एल्डर से बात करनी होगी,
और कोई नेम लिस्ट निकलानी होगी जिससे मुझे इस बारे में बता कर सके कि सोचने बाद में एजिन उन सभी डेसिबल्स वहां से भगा देता है। यहां से सीन शिफ्ट होता है, एजिन अपने नए घर के अंदर है क्योंकि एजिन अभी एक इनर डेसिबल है, इसलिए अब उसका घर भी पहले से ज्यादा बड़ा है। तभी घर के गेट पे कोई नॉक करता है, बाहर से आवाज आती है, मुझे यहाँ पर एल्डर ने भेजा है, एल्डर ने आपके लिए एक ऑर्डर भिजवाया है जो मैं लेके आई हूँ। एजिन उसे अंदर आने देता है। ये एक छोटी सी बच्ची होती है, ये एजिन के पास में आती है और उसे कहती है ये एक नेम लिस्ट है जिसके अंदर लिखा हुआ है कि किस डिसिपल को कितने रिफाइंड आयरन देने हैं। इस महीने के एंड तक आपको टोटल 31.5 किलो रिफाइंड आयरन कलेक्ट करने हैं। हमारे मास्टर खुद इस कलेक्शन को चेक करेंगे, अगर इसके अंदर किसी भी तरह की गड़बड़ होती है तो उन रिसोर्सेज को आपके अकाउंट में लिखा जाएगा और आपके अकाउंट से काट लिया जाएगा, उन्हें आपको खुद जमा कराने होंगे। यह कहते हुए लड़की एजिन के हाथ में एक बुक पढ़ा देती है। एजिन उस बुक को देखता है और कहता है ठीक है मुझे ये बुक मिल चुकी है, मुझे सब कुछ समझ में आ चुका है, अब तुम यहाँ से जाओ। ये कहते हुए एजिन उस बुक को खोले लगता है, तभी वो देखता है वो लड़की भी वहीं खड़ी है। एजिन उसे कहता है तुम यहाँ पे क्यों खड़ी हो, मैंने कहा ना जाओ। लड़की कहती है ऐसे कैसे जाओ, मैं यहाँ पर इतनी दूर से आई हूँ तुम्हारे केवल इस छोटे से ऑर्डर को देने के लिए, तुम्हें नहीं लगता तुम्हें मुझे कोई रिवॉर्ड देना चाहिए। अब यहाँ पे एजिन तो कंजूस होता है, एजिन तुरंत खड़ा होकर उस लड़की से लड़ने लग जाता है और उसे कहता है कौन से पैसे, तुमने केवल अपना काम किया है और मेरे पास बिल्कुल ही पैसे नहीं है। लड़की कहती है मुझे सब कुछ पता है, मास्टर ने मुझे सब कुछ बताया था उस बैट के बारे में भी जिसके अंदर आपको इतने सारे पैसे मिले थे, मैं बिना टिप के यहाँ से नहीं जाऊंगी। ये सुनकर एजिन अपनी जेब में से एक स्विचर चुन बाहर निकालता है और उसे उस लड़की को पकड़ा देता है और कहता है ठीक है ये रख लो। लड़की खुश होते हुए उस स्विचर चुन को ले लेती है और फिर एजिन से कहती है अब आपने मुझे टिप दे दी है तो मैं आपको एक और बात बताती हूँ, मास्टर ने मुझसे एक और बात कहने के लिए आपको कहा है कि अगर आप इस रिफाइनिंग काम में फेल हो जाते हैं तो भी ज्यादा उदास मत होना, इस काम में हाथ पांव चलाने से काम नहीं चलेगा, दिमाग चलाना पड़ेगा, अगर अच्छी तरह सोच समझ से कुछ करोगे तो यही काम हो पाएगा। ठीक है अब मैं चलती हूँ, यह कहने के बाद में लड़की वहां से चली जाती है। उस लड़की के पास जाने के बाद में एजिन सोचने लगता है मास्टर का मतलब क्या हो सकता है, हर जगह पर हाथ पांव तो चलाने ही पड़ते हैं, बिना लड़ाई के मेरा कोई भी काम होता ही कहां है, उनकी कही हुई ये बात मुझे बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रही। यहां से सीन शिफ्ट होता है, एजिन रिकवरी काम पे निकल पड़ता है। एजिन पहले घर के बाहर पहुंचता है और कहता है यही वो जगह है, यहां से मैं पहले रिकवरी करूंगा। ये कहने के बाद में एजिन उस घर के अंदर घुसता है और फिर कहता है क्या लियू हुजांग यहां पर है, वहां सामने कोई खड़ा होता है, वो एजिन देख कहता है हां मैं ही हूं, मेरा नाम लियू हुजांग है। ये सुनते एजिन तुरंत अपनी तलवार निकाल लेता है और उसे कहता है जाने किसका मतलब मैं सही जगह पर आया हूँ। सामने खड़ा हुआ डिसिप्लिन कहता है अरे ये तुम क्या कर रहे हो, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ तो तुम मुझसे लड़ाई क्यों करना चाहते हो। एजिन कहता है तुम मुझे नहीं जानते, ठीक है मैं तुम्हें बताता हूँ मेरा नाम एजिन है, मुझे चार्ज मिला है रिफाइंड आयरन कलेक्ट करने का, इसलिए जल्दी से रिफाइंड आयरन मेरे हवाले कर दो नहीं तो। हुजांग कहता है अच्छा तो तुम इसलिए आयो, तुम रिफाइंड आयरन को लेने के लिए आयो, मुझे इस बारे में अच्छी तरह से याद है, मैं इसे भूलने की गलती बिल्कुल भी नहीं कर सकता, अभी काम चल रहा है, मैं वादा करता हूँ मैं रिफाइनिंग आयरन को ड्यू डेट से पहले जमा करा दूंगा। ये सुनकर एजिन का मूड खराब हो जाता है, एजिन ने सोचा था लड़ाई करेंगे लेकिन ये तो बातों में मान गया। एजिन हुसैन से कहता है ठीक है मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम्हें याद है। हुसैन कहता है क्या कुछ और, क्या किसी और तरीके से मैं मदद कर सकता हूँ। एजिन कहता है हाँ एक और बात है, मास्टर ने मुझे तुमसे एक और बात कहने के लिए कहा है कि इस बार रिफाइंड आयरन 10 दिन पहले चाहिए क्योंकि थोड़ा अर्जेंट है, इसलिए काम की स्पीड बढ़ाओ और रिफाइंड आयरन को 10 दिन पहले तैयार करने की कोशिश करो। हुसैन कहता है ठीक है काम हो जाएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा और अपनी स्पीड को ज्यादा ज्यादा रखूंगा। फिर एजिन वहां से जाने लगता है और जल्दी तो उसे कहता है तो फिर ठीक है लग जाओ काम पे और जल्दी जल्दी काम खत्म करो। फिर हुसैन सोचने लगता है मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था इस बार रेट को 10 दिन पहले कर देंगे, लेकिन चलो कोई बात नहीं सारी प्रिपरेशन हो चुकी है कोई भी कुछ भी नहीं कर पाएगा। ये सोचते हुए हुसैन अजीब तरह से हंस रहा होता है। फिर हमें एजिन को दिखाते हैं, एजिन एक सड़क के बीच चल रहा है और चल चलते किसी और डिस्प्ले के पास जा रहा है, वो डिस्प्ले एजिन से यही कहता है मुझे पता है आप यहाँ पर किस बारे में आए, मुझे कल ही सब कुछ पता चल चुका था इसलिए हमने काम शुरू कर दिया है, हम वादा करते हैं रिफाइंड आयरन आपको सही टाइम पे मिल जाएगा। एजिन कहता है क्या आपको इस बारे में पता है कि लास्ट डेट 10 दिन पीछे आ गई है, अब आपको 13 तारीख को ही सारा रिफाइंड आयरन जमा कराना है। डिसिपल कहता है हाँ मुझे इस बारे में पता है, सारा काम बहुत तेजी से चल रहा है काम हो जाएगा, वैसे मुझे आप बहुत थके हुए लग रहे हो आ जाओ अंदर बैठो चाय पी लो। एजिन कहता है नहीं नहीं मुझे और काम है मेरे को आगे जाना है। ये कहते हुए एजिन वहां से आगे बढ़ जाता है। इसी तरह से एजिन बहुत सारे डिसिपल्स को जाता है और सभी डिसिपल भी एजिन को हांके देते हैं। एजिन खुश होता हुआ उनकी तरफ से आगे बढ़ जाता है। ऐसे करते करते लगभग 10 डिसिपल के पास एजिन जाता है और सब के सब खुश खुशी एजिन को हांक करते हैं और एजिन से वादा करते हैं वो सही टाइम पे सारे रिफंड आयरन को जमा करा देंगे। इसके बाद शाम हो जाती है, एजिन एक पत्थर के ऊपर बैठा होता है और सोच रहा होता है सारा काम काफी आसानी से हो रहा है, सारे डिसिप्लिन मेरे साथ में कोऑपरेट कर रहे हैं, सबने वादा किया है वो रिफाइंड आयरन सही टाइम पे जमा करा देंगे, ये काम तो काफी आसानी से हो रहा है लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आसानी से हो किसे रहा है, अगर ये काम सच में इतना आसान होता तो मास्टर मुझे ये काम कभी भी नहीं देते, कहीं ऐसा तो नहीं ये सारे डिसिप्लिन मेरे साथ में कोई ट्रिक कर रहे हो, अगर ऐसा है तो उन सभी को इसकी बड़ी कीमत चुकानी होगी। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हमें अगले दिन का सीन दिखाता है, एक जगह पर काफी सारे डिसिप्लिन की भीड़ लगी हुई है
तभी वहाँ पर हुजैंग और उसके साथ में एक और डिसिपल वहाँ पे आते हैं और उस बिल्लों को देखने लगते हैं। हुजैंग सोचने लगता है इतने सारे डिसिपल्स यहाँ पे क्यों खड़े हैं। हुजैंग उस भीड़ को चीरते हुए उनके सामने आता है और फिर देखता है वहाँ पर एजिन बैठा हुआ है। हुजैंग एजिन से पूछता है, एजिन ये तुम क्या कर रहे हो। एजिन कहता है, हुजैंग तुम आ गए, मेरे को तुम्हें कुछ बताना है, यहाँ पर ये देखो। ये कहते हुए एजिन कुछ स्पिरिचुअल स्टोन की तरफ इशारा करने लगता है। हुजैंग उन स्टोन्स को देखता है और सोचता है ये स्टोन्स तो बहुत सारे हैं। उसके बाद में एजिन एक बोर्ड की तरफ इशारा करता है जिसके ऊपर लिखा हुआ है, जो भी डिसिपल महीने की 13 तारीख से पहले रिफाइंड आयरन को जमा करा देगा उसको स्पिरिचुअल स्टोन इनाम के रूप में मिलेंगे। एजिन आगे कहता है, इसे ध्यान से देखा तुमने, मैंने इसके ऊपर लिखा हुआ है, जो भी डिसिपल ड्यू डेट से पहले रिफाइंड आयरन को जमा करा देगा उसे मैं इनाम दूंगा। ये तुम पर भी लागू होता है, इसलिए तुम्हें भी रिफाइंड आयरन को जल्द से जल्द जमा कराना होगा। जिसमें को जैन सोचने लगता है ये तो पूरी तारीख से आया है, अगर सभी डिसिपल इसके लालच में फंस गए तब तो इसका काम हो जाएगा, सभी डिसिपल रिफाइंड आयरन जमा करा देंगे, मुझे कुछ करना होगा। ये सुनकर हुजैंग एजिन से कहता है, ये तुमने काफी अच्छा सोचा, रिफाइंड आयरन के बदले में स्पिरिचुअल स्टोन देना, इससे सभी डिसिपल ज्यादा तेज स्पीड से रिफाइंड आयरन को बनाएंगे और तुम्हारे पास जमा कराने की कोशिश करेंगे। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, ये स्पिरिचुअल स्टोन तुम अपने पास से क्यों दे रहे हो, क्योंकि रिफाइंड आयरन जो तुम कलेक्ट करोगे उससे तुम्हारा कोई भी फायदा नहीं है, वो सारी सारा तुम्हें सेक्टर जमा करा देना है, तो तुम इतना नुकसान क्यों उठा रहे हो। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मुझे याद है तुमने काफी सारे स्पिरिचुअल स्टोन डिसिपल से चुरा लिया था, उन डिसिपल्स ने तुम पर चोरी का इल्जाम लगाया था, क्या ये वही स्पिरिचुअल स्टोन है। हुजैंग की बात है, बाकी डिसिपल सुन रहे होते हैं, वो सभी सुनने बहुत भड़क जाते हैं। वो कहते हैं, तुम हमें चोरी की स्पिरिचुअल स्टोन बेचना चाहते हो, हम इनको बिल्कुल भी नहीं लेंगे, हमें पता है एक बार तुम ये स्पिरिचुअल स्टोन हमें दे दोगे जब हम तुम्हें रिफाइंड आयरन दे देंगे उसके कुछ दिन बाद ही तुम्हारे पास में आकर इन्हें हमसे छीन के ले जाओगे। तुम केवल हमारा फायदा उठाना चाहते हो, जब तक हम तुम्हारे काम के होंगे केवल तब तक के लिए तुम स्पिरिचुअल स्टोन को हमें रखने के लिए दोगे, ये सही नहीं है, हम तुम्हें रिफाइंड स्टोन बिल्कुल जमा नहीं कराएंगे। आखिर तुम ही सोचो, जब कोई किसी चीज को फ्री में दे तो उसका क्या मतलब होता है। मैं बस नहीं चाहता मेरे साथी डिसिपल्स को बाद में किसी भी तरह का नुकसान हो। जिसमें पर एजिन अपनी जेब में से कोई अजीब सा पत्थर सा निकालने लगता है और फिर हुजैंग से कहता है, ठीक है ऐसी बात है तो मैं यहीं पे कसम खाता हूँ, जो भी डिसिपल इस महीने की 13 तारीख से पहले रिफाइंड आयरन को मेरे पास में जमा करा देगा उसको मैं 10 स्पिरिचुअल स्टोन दूंगा, अगर मैं ऐसा नहीं करता हूँ तो बिजली मेरे ऊपर आके गिर जाए और मैं उसी समय मर जाऊँ। ये सुनकर हुजैंग थोड़ा गुस्सा होने लगता है, वो सोचता है इसने अर्थ चार्म का यूज किया है, ये इसे खुद के लिए खतरनाक है, इसने कसम खा ली है, अब ये किसी भी तरह से इस कसम को तोड़ नहीं सकता है। लेकिन इसने ऐसा करके बाकी सभी डिसिपल्स का भरोसा जीत लिया है, अब मैं इनसे कुछ भी नहीं कह सकता। फिर यहाँ से कुछ घंटे बीतते हैं, सारे के सारे डिसिपल अभी भी वहीं पे हैं, लेकिन एजिन वहाँ से जा चुका है। वो डिसिपल्स आपस में बात कर रहे हैं, एक डिसिपल कहता है, ब्रदर हुजैंग सब कुछ खराब हो गया, उस लड़के एजिन ने रिफाइंड आयरन जमा कराने की लास्ट डेट 10 दिन पीछे करा ली, अब हमारा ओरिजिनल प्लान बिल्कुल बेकार हो गया है। दूसरा बंदा कहता है, हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, अगर हम ढीठे की तरह रिफाइंड आयरन नहीं बनाते हैं और उसे जमा नहीं कराते हैं तो भी वो हमारे घर पर आ जाएगा और हमसे लड़ाई करने लगेगा, चाहे कुछ भी हो हमें रिफाइंड आयरन तो बनाने पड़ेगा, चाहे सीधे सीधे या फिर पिटने के बाद। तभी तीसरा डिसिपल कहता है, और अगर वही हम उन रिफाइंड आयरन को 13 तारीख से पहले बना लेते हैं तो वो हमें 10 स्पिरिचुअल स्टोन भी देगा, ये कोई छोटी कीमत नहीं है, हमें इतने बड़े मौके को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। हुजैंग ऐसा बैठे बैठे सुन रहा होता है, वो जोर से चिल्लाता है, सब के सब चुप हो जाओ। ये कहते हैं हुजैंग उन सभी भी गुस्सा करने लगता है और उनसे कहता है, तुम सब के सब बिल्कुल बेकार हो, तुम सब ने 10 स्पिरिचुअल स्टोन के बदले खुद को बेच दिया है, क्या तुम सब मुर्रों के बारे में भूल गए हो। यही एक लौता तरीका है मुर्रों का बदला लेने का, उस लड़के एजिन को रिफाइंड आयरन ना देके हम मुर्रों को बदला ले सकते हैं। तभी एक डिसिपल हुजैंग के पास में आता है और उससे कहता है, ब्रदर हुजैंग शांत हो जाइए, इसमें इतना गुस्सा करने वाला कुछ भी नहीं है, हम जानते हैं अगर हम मुर्रों की बदला लेने में मदद करेंगे तो वो भी हमें इनाम देगा, लेकिन उसने हमें किसी भी तरह का वादा नहीं किया है, हो सकता है हम उसका बदला ले भी लें और वो हमें कुछ भी ना दे। और वहीं दूसरी तरफ उस लड़के एजिन ने हमसे वादा किया है, उसने अर्थ चार्म को हाथ में लेकर कसम खाई है, वो इस कसम को तोड़ नहीं सकता है, इसलिए एजिन की मदद करने में हमारा ज्यादा फायदा है। जिसमें हुजैंग कहता है, मेरे पास एक बहुत शानदार आइडिया है जिसकी वजह से हम एक साथ दोनों काम कर सकते हैं, उस लड़के एजिन से भी उसका रिवॉर्ड ले लेंगे, 10 स्पिरिचुअल स्टोन वो हम सभी को देगा और साथ में मुर्रोंग भी हमें हमारा रिवॉर्ड देगा, अगर तुम सब मेरा प्लान को फॉलो करो तो हमें दोनों तरफ से रिवॉर्ड मिल जाएगा, बताओ ये कैसा है, क्या सब इसके लिए तैयार है। ये सुनकर सभी डिसिपल्स बहुत खुश होते हैं, वो कहते हैं, ब्रदर बताओ क्या प्लान है, हम बिल्कुल तैयार हैं। इसके बाद में हुजैंग उन सभी को अपना प्लान दे देता है। फिर वो दिन आता है जिस दिन रिफाइंड आयरन को जमा कराना है। सबसे पहले ये वाला डिसिपल एजिन के पास में आता है और एजिन से कहता है, मैं अपने रिफाइंड आयरन को लेके आ गया हूँ। एजिन कह देता है, ठीक है ये स्पिरिचुअल स्टोन इनको ले जाओ, इनमें से 10 गिन लो और 10 ले जाओ, और जो तुम्हारे पास रिफाइंड आयरन है उन सभी को इस दूसरे बॉक्स में रख दो। वो डिसिपल बिल्कुल वैसे ही करता है, वो 10 स्पिरिचुअल स्टोन लेकर वहाँ चला जाता है। ऐसे करते हुए काफी सारे डिसिपल रिफाइंड आयरन स्टोन देके जाते हैं और उनके बदले में स्पिरिचुअल स्टोन को लेकर चले जाते हैं। इसके बाद में हुजैंग की बारी आती है, हुजैंग अपने रिफाइंड आयरन लेके आता है और फिर एजिन से कहता है, ये मेरे रिफाइंड आयरन है।
एजेंट एक आयरन की बॉक्स को उठाता है और फिर उसे चेकने लगता है। हुसैन कहता है, ब्रदर एजेंट क्या हुआ? तभी एजेंट जोर से उस आयरन को जमीन पर पटकता है और फिर हुसैन से कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ में चालाकी करने की? मैं तुम्हें अपनी तरफ से स्पेशल स्टोन दे रहा हूँ जो कि तुम्हें देने बिल्कुल भी बनते नहीं है। रिफंड आयरन तो तुम सभी को वैसे भी जमा कराने थे, ये स्पेशल स्टोन मैं तुम सबको अपनी पॉकेट से दे रहा हूँ अपने पास से। इसके बावजूद भी तुम मेरे साथ में चीटिंग कर रहे हो। ये जो तुमने मुझे आयरन दिया है ये बिल्कुल बेकार है, ये एकदम कचरा है। ये सुनकर हुसैन सोचने लगता है, ऐसा कैसे हो गया? ये लड़का अभी अभी तो फोर्ज वैली के अंदर आया है और उसको इतनी जल्दी समझ में कैसे आने लगा कि कौन सा आयरन फेक है और कौन सा असली? ये तो बिल्कुल नामुमकिन है, मैंने काफी अच्छी नकल उतारी थी। शायद ये केवल नाटक कर रहा है, केवल उसको पता है कि मैं नकली आयरन देने वाला हूँ लेकिन उसको पता नहीं है कि नकली है या नहीं। मुझे एक बार कोशिश करके देखनी चाहिए। ये सोचने वाले हुसैन कहता है, एजेंट तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? मैंने बड़ी मेहनत से इन आयरन्स को रिफाइन किया है, ये सारे सारे बिल्कुल असली है। तुम ऐसे कैसे कह सकते हो कि ये नकली है? तुम मेरे ऊपर बहुत ही गंदा इल्जाम लगा रहे हो और अगर तुम्हें लगता है मेरा आयरन नकली है तो हो सकता है मुझसे थोड़ी बहुत गलती हो गई हो या रिफाइनरी में किसी तरह की मिस्टेक हो गई हो। मुझे मेरे आयरन लुटा दो, मैं वादा करता हूँ अभी भी ड्यू डेट में कुछ दिन बाकी है, इस टाइम के अंदर ही इन रिफाइंड आयरन को पूरी तरह रिफाइन करके वापस ले आऊंगा। फिर एजेंट अपनी तलवार निकाल लेता है और फिर हुसैन से कहता है, केवल तुमने ही नहीं आज जितने भी डेसिबल्स ने रिफाइंड आयरन को जमा कराया है ये सारे सारे बिल्कुल नकली हैं। और मुझे ये भी पता है कि तुम ही हो जो इन सबको लीड कर रहे हो, तुम ही इस प्लान के मास्टरमाइंड हो। हुसैन कहता है, बस बहुत हो गया, तुम बस मुझ पे इल्जाम लगा रहे हो, तुम्हें खुद को तो कुछ भी नहीं पता है, बस मुझ पे इल्जाम लगाकर मेरी किसी भी तरह से इंसल्ट करना चाहते हो। तभी हुसैन को साथ देने के लिए तीन चार डेसिबल्स और आगे बढ़ते हैं और फिर एजेंट से कहते हैं, ब्रदर हुसैन बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इन्होंने जितने भी रिफाइंड आयरन जमा कराए हैं ये सारे सारे बिल्कुल असली है, तुम्हें खुद को कुछ नहीं पता है, तुम बस हमारी इंसल्ट करना चाहते हो, अगर तुम्हें लगता है ये नकली है तो फिर प्रूफ करो। ये सुनकर एजेंट उन रिफाइंड आयरन के बॉक्स के पास में आता है और उन्हें खड़ा खड़ा थोड़ी देर देखते रहता है। ये देखकर हुसैन सोचता है, मैं सही था, इसको बिल्कुल भी नहीं पता है कि कौन सा आयरन असली है और कौन सा नकली, ये केवल टप्पे में हमसे कह रहा था, अच्छा हुआ मैंने पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं किया कि मेरे आयरन नकली है। तभी एजेंट एकदम से उस बॉक्स के अंदर से रिफाइंड आयरन को बाहर निकालने लगता है और सारे डिस्प्ले से कहता है, इसके अंदर 5% प्योरिटीज है, इसके अंदर 3 अंदर और इस वाले में 2% प्योरिटीज है, इसी तरह सबके सब यहाँ पे जितने भी आयरन है ये सारे सारे पूरी तरह से इम्प्योर है। जिसमें हुसैन सोचने लगता है, ऐसा कैसे हुआ, इसको एग्जैक्टली कैसे पता है कि किस आयरन के अंदर कितनी इम्प्योरिटीज है, वो भी केवल आयरन को देखकर, ये तो मैं भी नहीं कर सकता जबकि मुझे फोर्ज वैली के अंदर आए हुए काफी टाइम हो गया है और इसको ये सब पता है। तभी एजेंट हुसैन के पास में आता है और उसे कॉलर पकड़ के उससे कहता है, अब मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूँ, जितने भी स्पिरिचुअल स्टोन जो मैंने तुम्हें दिए हैं वो सारे सारे मुझे लौटा दो, पेलेंटी के रूप में तुम्हें 10 स्पिरिचुअल स्टोन एक्स्ट्रा देने होंगे, यानी सबके सब 20 स्पिरिचुअल स्टोन मुझे देंगे और साथ ही तुम्हारे पास में केवल उतना ही टाइम है जितना मैंने पहले दिया था, महीने की 13 तारीख से पहले मुझे रिफाइंड आयरन चाहिए वरना मैं तुम सभी को मार दूंगा। हुसैन कहता है, ठीक है तुमने जैसा कहा है बिल्कुल वैसे ही होगा, ड्यू डेट से पहले हम सबके सब रिफाइंड आयरन पूरी तरह से रिफाइन करके तुम्हें लौटा देंगे और रही बात स्पिरिचुअल स्टोन की तो वो भी हम तुम्हें देने के लिए तैयार है। ये सुनने के बाद एजेंट हुसैन की कॉलर छोड़ देता है और फिर जोर से जमीन में फेंक देता है और फिर सभी डिसिप्लिन से कहता है, तुम सबके सब बिल्कुल कायर हो और गद्दार हो, मैंने तुम सभी के साथ में कितनी पोलाइटली बात की और तुम सभी को इनाम भी देने की बात की, इसके बाद भी तुम सब ने मुझे धोखा दिया, ये सही नहीं किया। इसके बाद में एजेंट वापस हुसैन के पास में आता है और उसे कहता है, अब क्योंकि तुम इस सभी के मास्टरमाइंड हो इसलिए तुम पेलेंटी के रूप में 20 नहीं 30 स्पिरिचुअल दोगे, ये तुम्हारी सजा है। हुसैन कहता है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है, तुम हमसे किसी भी तरह की पेलेंटी नहीं ले सकते और वैसे भी हम ये सब तुम्हारी वजह से कर रहे हैं, तुमने लास्ट डेट को 10 दिन पीछे लेके आ गए, इसी वजह से हमें ये सब करना पड़ा वरना सब कुछ बिल्कुल सही तरह से हो जाता। एजेंट कहता है, तुम रूल्स की बात कर रहे हो, जब तुम सबके सब स्पिरिचुअल स्टोन लेने के लिए यहाँ पर आए थे तब तुम्हें याद नहीं आया कि रूल्स होते हैं और अब जब देने की बात आई तो तुम्हें रूल्स याद आ रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, तुम सभी को स्पिरिचुअल स्टोन देने होंगे वरना मैं अभी के भी बता दूंगा कि स्पिरिचुअल स्टोन ना देने पर कैसा हाल होगा और मैं शुरुआत तुमसे ही करूंगा। हुसैन क्या तुम तैयार हो? जिसमें हुसैन बहुत डर जाता है, वो वहां से भागने लगता है और अपने चारों तरफ एक डिफेंस कवर बना लेता है और फिर कहता है, ये बिल्कुल पागल हो गया है, मुझे यहाँ से भागना चाहिए। तभी एजेंट जोर से उछलता है और कहता है, हुसैन कहीं भाग रहे हो, नहीं भाग पाओगे। ये कहते हुए एजेंट हुसैन के पास आकर अपनी तलवार जोर से घुमा देता है। एजेंट इधर उधर से ही उस डिफेंस कल की टकराती है, वो डिफेंस कल टूट जाता है और हुसैन जमीन पर गिर जाता है। फिर एजेंट हुसैन के ऊपर अपने पांव रखकर खड़ा होता है और अपनी तलवार से उस पर अटैक करने की कोशिश करता है। तभी हुसैन चिल्लाए कहता है, ये लड़का फिर से किसी को मारने वाला है, वो भी सेक्ट के अंदर, कोई जल्दी जाके मास्टर को कंप्लेन करो। तभी बाकी सारे डिसिपल्स चिल्लाते हैं, ये लड़का फोर्ज वैली के अंदर हमारे सारे डिसिपल को मारने वाला है और हम सब खड़े खड़े देख रहे हैं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है, सभी डिसिपल साथ में इस लड़के को प्रोटेक्ट करो, अगर हम साथ में इस पर अटैक करेंगे तो ये बिल्कुल बच नहीं पाएगा। ये सुनकर वहाँ खड़े सभी डिसिपल्स में जोड़ा जाता है, वो सबके सब अपने तरीके से एजेंट को प्रोटेक्ट करने लगते हैं, वो अपनी तलवार को एजेंट की तरफ फेंकते हैं। एजेंट देखता है काफी सारी तलवारें चारों तरफ से एजेंट की तरफ आ रही है। एजेंट कहता है, अच्छा है लेकिन मेरे लिए काफी नहीं है। ये कहते हुए एजेंट अपनी तलवार जोर से घुमाने लगता है
उसके ऐसा करने से वहाँ पर एक भवंडर सा आ जाता है और उन सारे डेसिबल्स का ये अटैक पूरी तरह से बेकार हो जाता है। इसके बाद में एजिन उन सभी के पास आकर पहले उन सभी को बहुत बुरी तरह से पीट देता है। काफी सारे डेसिबल कुछ देर में जेल में ढेर हो जाते हैं और जो डेसिबल अभी खड़े होते हैं वो काफी ज्यादा डर जाते हैं। उनमें से कोई भी एजिन पर अटैक नहीं करता। एजिन उनसे कहता है, अब किसी को भी मुझ पर अटैक करना हो या फिर मेरे रूल से किसी को भी दिक्कत हो तो आगे आ जाए। एजिन की वार्निंग सुनकर कोई भी डेसिबल आगे नहीं बढ़ता, सबके सब पीछे हटने लगता है। तभी एकदम से कहीं से आवाज सुनाई देती है, तुमने फिर से शुरू कर दिया, तुम अपने साथी डेसिबल्स को ऐसे डरा रहे हो, ये बिल्कुल भी सही नहीं है, तुम ताकतवर हो, इसका मतलब ये नहीं तुम ऐसे ही किसी को डराओगे। ये कहते हैं मुरोंग और एक और कल्टीवेटर वहां पे आ जाता है। इस दूसरे कल्टीवेटर का नाम टियान लोंग है। टियान लोंग को देखकर सारे डिसिपल बहुत खुश जाते हैं और वो सबके सब कहते हैं, टियान लोंग यहाँ पर आ गया, अब ये हमें कुछ भी नहीं कर पाएगा, टियान लोंग इस लड़के एजिन को अच्छा सबक सिखाएगा। मुरोंग कहता है, ए लड़के एजिन, ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रहा है, फोर्ज वैली के डिसिपल्स को ऐसे परेशान करना बिल्कुल भी सही नहीं है। तभी टियान लोंग मुरोंग से कहता है, मुरोंग ये तलवार जो इस लड़के के हाथ में है ये तो तुम्हारी है ना? मुरोंग कहता है, हाँ ये तलवार मेरी ही है, एक फाइट में इसने ये तलवार मुझसे छीन ली थी, ये लड़का बहुत बड़ा फ्रॉड है, इसने मेरे साथ चीटिंग की, अगर उस दिन वो फेयर फाइट होती तो उस फाइट में मैं ही जीतता, ये मुझसे किसी भी हाल में नहीं जीत सकता, ये बहुत कमजोर है। टियान लोंग कहता है, तो फिर ठीक है, हम दोनों साथ में मिलकर इस लड़के को सबक सिखाते हैं। मुरोंग कहता है, तुम्हारा आइडिया तो अच्छा है लेकिन मेरे पास में इस टाइम पे कोई वेपन नहीं है, मेरी ड्रैगन सोर्ड इस लड़के के पास में है। टियान कहता है, तुम चिंता किस बात की कर रहे हो, तुम्हारे साथ में मैं हूं ना, मेरे पास में कुछ है जो कि उस ड्रैगन सोर्ड से भी ज्यादा अच्छा है। ये कहते हैं टियांग अपने हाथ में एक वेपन समन करता है जो कि एक बड़े से हथौड़े की तरह है। टियांग आगे कहता है, ये यिंग यांग हैंगवर है, 3 साल पहले मुझे ये हैमर मिला था, इसके मिलने के बाद से ही मैं कभी भी किसी फाइट के अंदर नहीं हारा हूँ, अब ये हैमर मैं तुम्हें दे रहा हूँ थोड़े टाइम के लिए, मुझे बिल्कुल डिसअपॉइंट मत करना और मेरा रिकॉर्ड मत तोड़ना। जिसने पर मुरोंग टियांग से वो हैमर ले लेता है और फिर उससे कहता है, तुम मुझ पर भरोसा रख सकते हो, तुम्हारा देखना ये हैमर कितनी बुरी तरह से इस लड़के को हराएगा। इसके बाद में एजिन और मुरोंग के बीच में फाइट स्टार्ट होती है। एजिन मुरोंग से कहता है, मुरोंग क्या तुम्हें सच में लगता है इस बेकार से तोड़े से तुम उसे जीत सकते हो, इतना कॉन्फिडेंस तुम लाते कहां से हो, तुम्हारे जीतने का बिल्कुल भी चांस नहीं है। मुरोंग कहता है, बोलो जितना बोलना है, अभी फाइट स्टार्ट नहीं हुई, फाइट स्टार्ट होते ही जब यह तोड़ा तुम्हारे ऊपर पड़ेगा तब तुम्हें समझ में आएगा कि तुमने कितना गलत बोला है और तब तुम कुछ बोल भी नहीं पाओगे, अब बातें बंद करो और संभालो इसे। जे कहते हैं मुरोंग फाइट स्टार्ट कर देता है, वो अपना थोड़ा सामने की तरफ करके पूरी तरह से एजिन की तरफ जाने लगता है। मुरोंग उस हथौड़े की पावर की वजह से उड़ते हुए एजिन की तरफ जा रहा है। एजिन अपनी तलवार को यूज करके मुरोंग के सिटे को ब्लॉक करता है। इसमें एजिन को काफी ज्यादा मुश्किल आ रही होती है। एजिन सोचता है, ये थोड़ा सच में एक हाई टियर का वेपन है और अभी तक मुरोंग ने तो इसकी फुल पावर को यूज भी नहीं किया है, सच में इससे पता पड़ता है इसमें कॉन्फिडेंट कहां से आया। तभी मुरोंग कहता है, ये इस हथौड़े की फुल पावर नहीं है, अब तुम इसकी फुल पावर देखो। जैसे ही मुरोंग ये कहता है, उस हथौड़े का साइज एकदम से बड़ा हो जाता है और उसका एरिया भी बढ़ जाता है। जैसे ही हथौड़े का एरिया बड़ा होता है, एजिन उछल के दूर तक खिसक जाता है। उस हथौड़े का साइज बढ़ते बढ़ते एजिन से भी ज्यादा हो गया है। एजिन उस हथौड़े को देखता है और कहता है, ये मुरोंग तो काफी ज्यादा ताकतवर निकला, इसे पता है मैं फाइट के अंदर तलवार का यूज करूंगा, इसलिए ये हथौड़ा लेके आया है ताकि इस हथौड़े का यूज करके मेरी तलवार को तोड़ सके। इससे डायरेक्टली फाइट करना बिल्कुल बेकार है, अगर मेरी तलवार के ऊपर ज्यादा अटैक हुए, मैंने तलवार से इसके अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश की तो मेरी तलवार टूट सकती है, इसलिए मुझे कोई और तरीका यूज करना होगा, कोई शानदार सा प्लान बनाना होगा। ये कहते हुए एजिन वहां से भागने लगता है और यहीं पर इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन खत्म होती है। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग।